चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज से हमारा क्रैश कोर्स यूजीसी नेट टारगेट 18 जून 2024 शुरू होता है। हमारे पास तकरीबन 40 दिन है अगर आज से काउंट करें, बट इन 40 दिनों में आखिरी के 5 से 10 दिन हटा दिया जाए, क्योंकि वो दिन आपके होंगे, आपकी खुद की सेल्फ स्टडी को भी जरूरत होगी उन दिनों की। तो उन दिनों को अगर हटा दिया जाए तो बचते हैं आपके पास मात्र 30 दिन। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि क्या मैम ये 30 दिनों में हम बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, और अगर 30 दिनों में तैयारी कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो जरूर बना के दूंगी, क्योंकि उसमें मैं काफी डिटेल आपको चीजें बताऊंगी कि क्या आप 30 दिनों में क्या क्या कर सकते हैं। बट आज मैं बात करूंगी मेरे क्रैश कोर्स की, जो आज से शुरू होने जा रहा है, जिसकी एक दिन की मीटिंग क्लास मैंने ले ली है, जिसमें मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस आपको बता दिए थे, जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने बैच परचेज कर लिया है। बट फिर भी एक ब्रीफ डिस्कशन मैं आज दूंगी, उसके बाद आज से हम जो थ्योरी है वो आज से कंप्लीट करेंगे। कैसे चलेगा, क्या चलेगा, ये सब चीजें डिस्कस की जाएंगी। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज ये सेशन देखने के बाद आप जरूर डिसाइड करिएगा कि अगर ऐसा 30 दिन किया जाए, जो आज आप लोग तैयारी करने वाले हैं, ऐसा अगर 30 दिन किया जाए सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, डेली वाइज डेली, तो क्या हम 30 दिनों में एक बहुत बेहतरीन तैयारी करके क्या अपना एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। तो यही आज का सवाल रहेगा। आज की क्लास तकरीबन 1.5 से 2 घंटे चलने जा रही है। 2 घंटे के बाद आप मुझे बताएंगे कि क्या ये 2 घंटे आपके लिए बेनिफिशियल रहे या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द क्रैश कोर्स। This side, Assistant Professor Meenakshi Dwivedi, and you are watching Scholars Mantra. So, let's start the session. आज की डेमो क्लास 1 है। इसी तरीके से आपको 3 डेमो क्लासेस मिलने वाली है। टाइमिंग इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैं बताऊंगी टाइमिंग, क्योंकि कई बार फ्लक्चुएट हो जाता है किसी ना किसी रीजन की वजह से। सो चलते हैं आगे। वैसे तो टाइमिंग कल भी यही सेम टाइम ही रहेगा। तो यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कंप्लीट रिवीजन। अगेन आई एम सेइंग, ये क्रैश कोर्स एक टाइप का कंप्लीट रिवीजन ही है। रिवीजन में बार बार क्यों यूज कर रही हूं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये कंप्लीट रिवीजन इन 1 मंथ में आपको सबसे ज्यादा इन चीजों की टेंशन हो रही होगी। ये बिल्कुल जायज है, ये नेचुरल है, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी इस टाइम पे आपने सिलेबस तो पूरा ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया है, बट कंफ्यूज है कहां से आता है, कितना आता है, क्या क्या टॉपिक्स एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम इस टाइम पे मतलब जो एक कहावत है ना कि घोल के पिला दिया जाए, कसम से ये 1 महीने में मैं कुछ ना कुछ आपको घोल के पिला दूंगी। घोल के कैसे, ये तो कहावत है, बट डेफिनेटली 1 महीने करेंगे कि 1 महीने में आप क्लियर हो जाएंगे। जिस दिन लास्ट डे होगा आप खुद बोलेंगे मैम आप बिल्कुल सही बोल रहे थे कि 1 महीने में सच में हमारी जो कंफ्यूजन थी वो आज नहीं है, वी आर सो क्लियर, डेफिनेटली हम इस बार एग्जाम क्लियर करने वाले हैं। अभी इस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, तो कॉन्फिडेंस में कहां कमी हो रही है, क्या चीज की कमी है, उसके ऊपर बात करेंगे। स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, एग्जाम नजदीक है, किसी ना किसी रीजन से टाइम नहीं मिल पाया, फैमिली है, MPET में आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों की वजह से चलो कैसे भी तैयारी रह गई, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि पीयर प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, सोसाइटी प्रेशर है, आपके सारे दोस्तों ने नेट निकाल लिया लेकिन आपका अभी तक नहीं निकला, 3 बार कर लिया, 4 बार अटेम्प्ट कर लिया, तो ये स्ट्रेस भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि पूरा दूर कर दिया जाए। उसके बाद आपके पास टेस्ट सीरीज की कमी जरूर होगी। पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज भर भर के मिल जाएगी आपको, लेकिन पेपर 2 के लिए ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज हमेशा कमी रह जाती है, तो ये भी इस बार ओवरकम कर दिया गया है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं रैपिड रिवीजन। जो डेमो आज आप देख लेंगे तो ये डेमो ही, यही हम कंटिन्यूअसली 30 दिन ऐसे ही रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। डेली 2 आवर्स की क्लास रहेगी, और 2 आवर्स की क्लास में मैंने 1.5 दैट मींस 1.5 घंटा जो होगा वो हम लोग ऐसे ही पढ़ाई करेंगे। आखिरी का जो आधा घंटा होगा उसमें आपके जो डाउट्स होंगे, जो पर्सनल डाउट्स, जैसे कि आप जानते हैं यूट्यूब पर केवल आपके कॉमेंट्स ही मैं देख पाऊंगे, बट आपके जो डाउट्स हैं, जो ऑडियो है वो नहीं सुन पाऊंगी। तो दैट इज वाई 1.5 घंटे की क्लास के बाद आधे घंटे का, क्योंकि आज भी, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट क्लास ले चुके हैं, तो
तो जैसे ही ये क्लास खत्म हो जाएगी आपके लिए आधे घंटे का एक डिस्कशन क्लास अरेंज किया जाएगा जूम पर, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं आप आज ही के आज ही कंप्लीट कर सके। हमारा टारगेट ही यही है कि उसी दिन कंप्लीट किया जाए। इसी के बाद एग्जाम ओरिएंटेड गोल्डन क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसके बाद आप क्लियर हो जाएंगे कि भाई यही इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। सब्जेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे प्रीवियस ईयर। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जब एप्लीकेशन पे देखेंगे ना, आप लोग जब एप्लीकेशन पे देखेंगे तो एप्लीकेशन जरूर एक बार प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको ये चीजें आराम से मिल जाएंगी सब्जेक्ट वाइज। क्रैश कोर्स में यही तो खासियत है जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सब्जेक्ट वाइज 200 से ज्यादा ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हर सब्जेक्ट के, तो 200 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली, मैक्सिमम 300-400 तक जा सकता है। तो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। प्रीवियस ईयर्स की टेस्ट सीरीज है, पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी है, पीवाईक्यूज और सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज भी आपके लिए अरेंज किया गया है। डेमो आज आप देख पाएंगे एंड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, सो दैट आप ये समझ पाए कि भाई एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चंस किस तरीके से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक महीने के रिवीजन में, ठीक है। तो आई थिंक ये तैयारी अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली आप भी इनमें से ही एक होने वाले हैं। ये मेरा पिछली बार का बेस्ट रिजल्ट है मेरा पिछली बार का, क्योंकि काफी बच्चे बताते भी नहीं है, कोई बात नहीं। ये हमने पिछली बार दिसंबर 2023 में 40 प्लस स्टूडेंट्स, तकरीबन लास्ट तक जाते जाते 45 स्टूडेंट्स तक हो गए थे, जिसमें से 5 बच्चों ने JRF किया था एंड बाकी 40 स्टूडेंट्स ने UGC नेट एग्जाम क्लियर किया था। ये मेरा इस बार का टारगेट है कि मैं इस बार का अपना बेस्ट रिजल्ट चाहती हूं और मैं पूरी जान लगा दूंगी इस क्रैश कोर्स में, क्योंकि यही वो टाइम है हमारी 3-4 महीने की मेहनत का। ये जो फाइनल टाइम है ना, इसे हम, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका पूरा रिजल्ट। तो ये हम लोग यहां पर पूरा कोशिश करेंगे कि ये आपका बेस्ट रिजल्ट जाए। नाउ अगर 10 यूनिट्स को स्केड्यूल किया जाए, 10 यूनिट्स को अगर स्केड्यूल किया जाए, अगर 10 यूनिट्स को स्केड्यूल किया जाए तो ये आपका सिलेबस है जिसको मैंने डेज बाय डेज डिवाइड कर दिया है। अभी फिलहाल के लिए तो मैं स्पेसिफिकली आपको यही बताऊंगी कि क्योंकि आज से जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी। ये टॉपिक आज से शुरू हो रहा है एंड इस टॉपिक को हम देने वाले हैं 3 डेज। इस टॉपिक को हम लोग 3 डेज देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो मैंने इनको एक कैटेगरी में डिवाइड किया, दिस इज फर्स्ट कैटेगरी, क्योंकि ये टॉपिक्स, ये सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं और इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। इसी के बाद आते हैं ये वाले सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड हेल्थ एजुकेशन। ये एक अलग मिलते जुलते सब्जेक्ट्स है। इसके बाद रिसर्च स्टैटिस्टिक्स एंड टेस्ट एंड मेजरमेंट। इसको लगेगा सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा, इसलिए इसको एंड में रखा हुआ है। पहले हम जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको निपटा दें, जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, सबसे ज्यादा जो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स हैं वो हैं ये फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी टाइम टेकिंग सब्जेक्ट, हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल टाइम टेकिंग सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स, तो इनमें हम ज्यादा टाइम भी देंगे, तकरीबन मैक्सिमम हम लोग सब्जेक्ट वाइज 5 डेज मैक्सिमम देंगे और मिनिमम 2 डेज देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम तकरीबन 30 डेज में अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे रिवीजन वाइज। अगेन आई एम सेइंग रिवीजन, क्योंकि क्रैश कोर्स में ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल है। आपको प्रीवियस बैच जो हमारा विजय भवा बैच जो इस 4 मंथ्स में हमने कंप्लीट किया है, उसके रिकॉर्डेड वीडियोस स्पेसिफिकली आपके लिए अरेंज किए गए होंगे डिटेल में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं होता, तो उसके लिए आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं, वीडियोस आर अवेलेबल। और ब्रीफ तो मैं आपको रिवीजन यहाँ पे करवा ही रही हूँ, ठीक है। इसी के साथ ये 10 यूनिट्स, और मैंने आपको बता दें कि बायोमैकेनिक्स में हम कितने दिन में कवर करने वाले हैं, 3 दिन में, जिसमें से आज का पहला दिन है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं आगे। जब आप बायोमैकेनिक्स की बात करेंगे
बायोमैकेनिक्स को मैंने पूरा एनालाइज किया। ये मान लीजिए कि मैंने आपके बहुत टाइम बचा लिया, क्योंकि जो चीज एज अ स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एज अ टीचर ये मैं कर सकती हूं। तो इसलिए मैंने सारे इयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को पूरा एनालाइज किया कि किस किस टॉपिक में से कहां कहां से क्वेश्चंस ज्यादा परसेंटेज में पूछे गए हैं। तो अगर मैं आपको ये टॉपिक्स बताऊं जो कि जून 2019 और दिसंबर 2023 तक का है, इससे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। इससे पीछे के क्वेश्चंस मतलब हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए आप जा सकते हो। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो, सेट एग्जाम दे रहे हो, स्पोर्ट्स ऑफिसर का, स्पोर्ट्स डायरेक्टर का एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। बट यूजीसी नेट एग्जाम के लिए जून 2019 के बाद का काफी है, इवन 2018 का भी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके पहले का नहीं, क्योंकि वो काम में नहीं आएगा। सिलेबस और पैटर्न और लेवल बहुत चेंज हो चुका है, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग ये अगर पहली कैटेगरी की बात करें, अगर पहली कैटेगरी की बात करें मोशन एंड इट्स टाइप, स्टूडेंट्स लॉज ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये मान लीजिए कि इसमें तीनों ही टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में से। मतलब ये मान लीजिए अब तक जो मैं अभी इस क्लास में जो अब तक मैं आपको बता रही थी वो जस्ट एक इंस्ट्रक्शन था कि भाई क्रैश कोर्स में क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीजें। अब जो शुरू हो रहा है, अब का जो सेशन है, ठीक है, नाउ द सेशन स्टार्ट्स। अब जो भी चीज आपको बताई जाएगी वो स्पेसिफिकली बायोमैकेनिक्स रिलेटेड होगी। स्पेसिफिकली अब आपका जो क्रैश कोर्स का टाइम है वो शुरू होता है, ठीक है। फोकस करिएगा, क्योंकि अब आपके लिए एक एक वर्ड, एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये दो घंटे का एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो यहां पर अगर फोकस करें तो भाई यहां पर मोशन एंड इट्स टाइम से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। अगर आता भी है तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में आप वो क्वेश्चन देख पाएंगे, कैसे आता है वो सब दिखाया जाएगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, अच्छा सॉरी, आई एम सो सॉरी, जो मैंने अभी आपको लाइन बताई वो ये है, वो ये है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ज्यादा कुछ नहीं आता, मुश्किल से एक आध स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी। अगर आया भी तो आप कर पाएंगे, बिकॉज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन काफी इजी है, ये आप इजीली कर भी पाएंगे। मोशन एंड इट्स टाइप में से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, उसके एग्जांपल्स। यहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा डर पता है क्यों लगता है? क्योंकि एक चीज जो एग्जाम में बायोमैकेनिक्स के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है और जो हम जिसमें कमजोर होते हैं, एंड दैट इज, तो मान लो कि मैं तो कहूंगी 50% यही आता है। ये आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलेंगे, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स के फॉर्मूलेस एंड इंटरप्रिटेशन। ये आपका आज का भी आपका मेन टॉपिक है, मैं इसी के ऊपर आज बात करने वाली हूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कमजोर होता है स्टूडेंट्स का, इसी के ऊपर बात की जाएगी आज। इसके बाद मूवमेंट्स, जॉइंट्स, प्लेन्स, एक्सेस एंड लिवर सिस्टम, ये एक ही है, ये एक ही है। हम लोग कई बार इसको अलग अलग पढ़ते हैं इसलिए आप समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको मूवमेंट्स, दैट मींस एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपाइनेशन, प्रोनेशन, रटे हुए होने जाके, ये टिप्स पे, इस टाइम पे तो टिप्स पे, मतलब आप इस चीज को इतनी बार पढ़ लो, इतनी बार देख लो कि आप आंख बंद करो और आपको कोई कहे फ्लेक्शन, तुरंत आपको पता है कि फ्लेक्शन का मतलब क्या है, डेफिनेशन सो क्लियर, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट्स एक टॉपिक है, और यहां से भी आप लोग आराम से मान लीजिए यहां से भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसी के बाद अगर हम लोग ये टॉपिक्स की बात करें, इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी, इसमें से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस ही आपको मिलने वाले हैं। आपको केवल 5-6 कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, अगर 5-6 कंडीशंस आपको पता हो जाएंगी तो दैट्स बिल्कुल आप ये टॉपिक आराम से निकाल लेंगे। अगर फोर्सेस, स्पिन, इसमें से भी आप एक आध क्वेश्चन जरूर देखने वाले। मसल्स नेम एंड सीक्वेंस, ठीक है, ये एक पूरे चांसेस है। यहां पर मैंने मसल्स लिखा हुआ है, एक दो क्वेश्चंस तो जरूर मिलने वाले, ठीक है, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि इस टाइम पर तो आप ये मसल ओरिजिन और इंसर्शन को बिल्कुल भी मतलब इंपॉर्टेंस ना दे, क्योंकि एक तो है ये बहुत ज्यादा अभी इस टाइम, तो एक सवाल के लिए इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट हाँ ये जरूरी है कि आपके नेम्स
और उसका ज्यादा आता है वो मैंने आपको बता दिया, आपको ये जरूर मिलने वाला है। बट ये जो टॉपिक है ये आप फिजियोलॉजी में भी देख सकते हैं, तो फिजियोलॉजी में भी आप ये रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये कभी कभी आप देखेंगे ये क्वेश्चन स्पिन टॉपिक आता है, स्पिन, ठीक है, जाते हैं। बाकी यहां से उतने सवाल नहीं बनते, ज्यादातर जो सवाल पूछ जाते हैं वो इस टॉपिक में से पूछ जाते हैं, ठीक है। तो हमें वैसे तो सभी कवर करना है जो मैंने स्केड्यूल दिया हुआ है, बट इसके ऊपर आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, इसलिए मैंने ये टॉपिक आज ही लिया है, ठीक है। पहला टॉपिक आपका यही रहेगा, तो बायोमैकेनिक्स एंड फिजियोलॉजी के सिलेबस को मैंने यहाँ पे 3 दिन में डिवाइड कर दिया, जिसमें से हम पहले और दूसरे दिन वही टॉपिक कवर करें, क्योंकि एक क्लास हमारी डिस्टर्ब हुई थी तो यहाँ पर एक और क्लास है, ठीक है। तो 2 दिन आपका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, जिसमें मोशन एंड इट्स टाइप्स, एंगुलर एंड लीनियर काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस लाइक सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, ये रहेगा हमारा आज का टॉपिक। उसके बाद डे 3 कल का टॉपिक हमारा ये रहेगा, और डे 4 संडे का टॉपिक हमारा ये रहेगा। नाउ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जो कल का टॉपिक है, मैं आज मेरी पूरी मेरा पूरा जोर रहेगा कि मैं आपको आज ये सब कुछ आज ही रटा दूं। देखो एक चीज, एक अच्छी बात है कि चलो हम YouTube पे रहे तो हम डायरेक्टली इंटरेक्शन कर सकते हैं, बट आई रिक्वेस्ट कि हम ना डिस्कशन क्लास के बाद ही करें। बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके मन में डाउट्स में होंगे, है ना, आप डाउट्स में होंगे, बट मुझे आपकी साइकोलॉजी पूरी पता है कि आप कब कहाँ क्या सोचने वाले, मुझे सब पता है ना। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके सबके डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर दूं, बट अगर आपको कुछ पूछना है तो वहीं के वहीं लिख लेना, आधा घंटा आपको लास्ट में जरूर मिलेगा, ठीक है। बट अगर बीच में हमने किया तो शायद हम अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो ये बड़ा जरूरी है, तो यहाँ पर समझ में आ। उसके बाद कल का जो भी रहेगा सेशन, कल आप लोग पढ़ के आएंगे बिना बिना पढ़े अगर आप क्लास में आते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, चाहे मेरी क्लास में क्रैश कोर्स वाला स्टूडेंट है, चाहे मेरी क्लास में UGC नेट वाला स्टूडेंट है, या फिर मेरी क्लास में राजस्थान वाले स्टूडेंट्स हैं, सभी के पास रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं। ये सभी वीडियोस आप कल देख कर आएंगे, या फिर अगर आपने देखे हुए तो टॉपिक पढ़ कर आएंगे, क्लियर। संडे का ये रहेगा स्केड्यूल। चलिए अब अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले, अच्छा एक चीज और, रिविजन क्लासेस है तो बहुत डिटेल में ना जाके जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन्हीं पे बात की जाएगी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन किनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स एंड एनाटॉमी, अब इसमें अगर आपको डिफरेंस चेक करना है तो पहले ये अगर आपने सवाल समझ लिया, सवाल कर लिया, तो डेफिनेटली आपको अपना जवाब मिल जाएगा। बताइए क्या होगा आंसर। इनमें से पूछा भाई कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी स्टेटमेंट गलत लग रही है आपको, सवाल समझ में आ रहा है, स्टेटमेंट गलत कौन सी लग रही है। दी वाली क्लियर है, तो स्टेटमेंट 4 हमें गलत लग रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो 4th स्टेटमेंट क्या बोल रही है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ नॉन लिविंग थिंग्स फंक्शन इज कॉल्ड फिजियोलॉजी, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग फिजियोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी फंक्शंस, है ना, आपकी बॉडी कैसे फंक्शन करती है उसकी स्टडी को कहते हैं फिजियोलॉजी, जो कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, लिविंग लिविंग बींग्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी। जब आप स्पोर्ट्स के साथ जाते हैं तो स्पोर्ट्स प्लेयर्स, है ना, जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं, उनकी बॉडी कैसे फंक्शन करती है उनको कहते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी या फिर स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, इस तरीके से। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका मतलब ये आंसर है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो किनेसियोलॉजी है, किनेसियोलॉजी एक ब्रॉडर फील्ड है, उसके अंडर आता है बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो किनेसियोलॉजी एक ब्रॉडर फील्ड है और बायोमैकेनिक्स उसका एक सब सब एरिया है, छोटा एरिया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही साबित होती है, आपको समझ में आ रहा है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बायोमैकेनिक्स, तो बायोमैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी कैसे मूव करती है उसमें भी कुछ ब्रांचेस है, सो अगर हम लोग यहाँ पर बायोमैकेनिक्स को डिवाइड कर दें तो बायो अलग हो जाएगी और मैकेनिक्स अलग हो जाएगी। बायो का मतलब क्या, लिविंग थिंग्स, बायो का मतलब लिविंग थिंग्स, ठीक है, और मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसा एरिया है जो 2 एरिया में डील करता है, स्टेटिक और डायनेमिक, व्हिच मींस कि व्हेन यू आर, दैट मींस व्हेन यू टॉक अबाउट द बॉडी, तो
मैकेनिक्स में आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं, और मूवमेंट जिस वजह से हो रहा है आप फोर्सेस की बात कर रहे हैं। मैं गारंटी दे रही हूं आपको, गारंटी, अगर आज आपने ये पूरी क्लास कंप्लीट कर ली ना पूरे फोकस के साथ, आई डोंट थिंक कि आपको ये क्लास दोबारा देखने की नीड पड़ेगी, या फिर आपको कभी भी इस टॉपिक में कंफ्यूजन होगी, लेकिन बैठना आपको पूरे फोकस के साथ रहेगा, ठीक है? तो फोर्सेस की वजह से मोशन होता है, तो मोशन की स्टडी और फोर्सेस की स्टडी दोनों को कहते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में दो एरियाज हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी, व्हेन द बॉडी इज मूविंग एट वन प्लेस, एक जगह पे अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसे कहते हैं स्टेटिक, और अगर बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रही है उसे कहते हैं डायनेमिक्स। अब ये भी दो टाइप का हो गया, काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स। जब आप काइनेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेटिक्स में, अच्छा एक चीज और ये भी एग्जाम में आता है, स्टेटिक और डायनेमिक किसकी ब्रांचेस हैं? मैकेनिक्स की ब्रांचेस हैं। ऑलवेज रिमेंबर, स्टेटिक और डायनेमिक मैकेनिक्स की ब्रांचेस है, और काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स डायनेमिक्स की ब्रांचेस है। एंड प्लीज प्लीज, जब भी आप कोई भी डायग्राम देख रहे हैं उस डायग्राम को इतने फोकस करके देखो कि वो आपके दिमाग में छप जाए, इस तरीके से, ठीक है? तो काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स डील विद द मोशन एंड काइनेटिक्स डील विद द फोर्सेस। क्लियर है यहां तक? ओके, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब जब आप यहाँ पे काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स की बात करते हैं, तो काइनेमैटिक्स में जो हम मोशन की बात करते हैं, ये काइनेमैटिक्स भी दो टाइप का होता है, लीनियर और एंगुलर। सेम विद दैट, काइनेटिक भी दो टाइप का होता है, लीनियर और एंगुलर, ठीक है? अब लीनियर और एंगुलर का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, आगे देखते हैं, आगे आगे देखते हैं। तो भाई व्हाट इज मोशन? तो मोशन का सिंपल मतलब है कि जब आपकी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है तो उसे कहा जाता है मोशन, उसे कहा जाता है मोशन, सिंपल, ठीक है? नाउ अब यहाँ पे दिखा हुआ है, दो तीन टाइप का दिया हुआ है, लीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। लीनियर मोशन का मतलब हो गया इफ योर बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, तो स्ट्रेट नहीं लग रहा है, ओके, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ लाइक 100 मीटर, या फिर कर्व पाथ, या तो स्ट्रेट पाथ या तो कर्व पाथ, बट डायरेक्शन कैसा है? फॉरवर्ड। व्हेन द बॉडीज डायरेक्शन इज फॉरवर्ड इसे कहते हैं लीनियर मोशन, ठीक है? एग्जैक्टली स्ट्रेट है तो रेक्टिलिनियर, और अगर कर्व है तो कर्विलिनियर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रोटेटरी मोशन, तो ये जो मोशन है ये एक्सिस की वजह से हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये एक्सिस की वजह से हो रहा है, एक्सिस भी कह सकते हैं, फलक्रम भी कह सकते हैं, ठीक है? एक्सिस भी कह सकते हैं और फलक्रम भी कह सकते हैं, इस तरीके से, बढ़िया। जब किसी मोशन में एक्सिस होता है, और अब जैसे आपने कहा कि रेडियस रेडियस होता है, तो यस होता है रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, ठीक है? आप समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, और ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, दैट मींस एक पर्टिकुलरली एक यू कैन से दैट कि पर्टिकुलरली एक ऑसिलेशन में, जैसे कि सपोज करें पेंडुलम है, पेंडुलम है, तो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट, एक बार इधर जा रहा है एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है एक बार इधर जा रहा है, तो इस टाइप का जो मोशन होता है इसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है? तो ये तीन टाइप का मोशन अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये भी समझ में आ रहा होगा। रेक्टिलिनियर, एग्जैक्टली अगर आपका डायरेक्शन सेम है, इफ यू आर मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, तो कैसा हो गया? रेक्टिलिनियर। अगर आप सर्कुलर की बात कर रहे हैं, अगर आप राउंड राउंड गोल गोल घूम रहे हैं, तो क्या हो गया? सर्कुलर। अब सर्कुलर में और एंगुलर में क्या डिफरेंस है? सर्कुलर में और एंगुलर में क्या डिफरेंस है? सर्कुलर में अगर आप विदाउट एक्सिस केवल राउंड राउंड घूम रहे हैं, विदाउट एक्सिस अगर आप राउंड राउंड घूम रहे हैं, ये सर्कुलर है, और जब आप एक एक्सिस में घूम रहे हैं, मान लीजिए अगर आप इसके अगल बगल घूम रहे हैं राउंड में, तो ये सर्कुलर मोशन है, बट जब आप इसके नीडल की बात कर रहे हैं, जब आप इसके नीडल की बात करें, जो नीडल जिस तरीके से घूम रही है, तो ये एक्सिस पे घूम रही है ना, इसके बीच में एक एक्सिस है, तो ये हो गया आपका रोटेटरी मोशन, या फिर एंगुलर मोशन, जैसे कि ये, ठीक है?
तो ये बॉल जो है ये भी अपने एक एक्सिस पे घूमती रहती है, इट्स लाइक दैट। नाउ पीरियोडिक जैसे कि ऑसिलेटरी, ये भी वही है जैसे ये पेंडुलम है, एक बार इधर जा रहा है एक बार इधर जा रहा है। तो ये बेसिकली इसने टाइप की मोशन यहाँ पर दिए हुए। इसी के साथ जब आप बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है, जिसमें कांस्टेंट होता है, जिसमें जिसमें कांस्टेंट मोशन होता है, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसमें मोशन कांस्टेंट नहीं होता है, इसमें मोशन कांस्टेंट नहीं होता है, इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ यूनिफॉर्म मोशन जैसे कि कांस्टेंट आप देख रहे हैं, कांस्टेंटली स्पीड इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंटली स्पीड आप इंक्रीज देख सकते हैं, दैट मींस एक्चुअली इंक्रीज तो नहीं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, हर बार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। सेम विद दैट अगर आप नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो जो बॉडी है वो या तो स्पीड इसकी बढ़ रही है या तो स्पीड इसकी घट रही है। जब स्पीड इसकी बढ़ती है जैसे कि एसेलरेशन, अब यहां पर आता है एसेलरेशन और डीएसेलरेशन, तो आपको एसेलरेशन और डीएसेलरेशन में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एसेलरेशन का मतलब क्या है, स्पीड जिस तरीके से बढ़ रही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग 100 मीटर का एग्जाम्पल लें, तो 100 मीटर में जो स्टार्टिंग के जो 30 मीटर होते हैं, इसमें आप अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, पहले आपकी स्पीड कम होती है, दैट मीन्स पहले होगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद आ गया आपका फाइनल वेलोसिटी, यही तो है ना? और कितने टाइम में आप ये कवर कर रहे हैं, तो ये है आपका एसेलरेशन। तो ये जो 30 मीटर है इसमें अपनी स्पीड को आपने बढ़ाया, तो आपको कांस्टेंट मोशन में और एसेलरेशन में डिफरेंस समझ में आ रहा है? कांस्टेंट मोशन का मतलब हो गया कि ए पर भी उसकी उतनी ही स्पीड थी, बी पर भी उसकी उतनी ही स्पीड थी, ए पर भी उसकी उतनी ही स्पीड थी और बी पर भी उसकी उतनी स्पीड थी, ये है कांस्टेंट मोशन। अब ए पर उसकी स्पीड कम थी पर बी पर उसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये हो गया एसेलरेशन। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? इंक्रीजिंग होगा तो इसे कहेंगे एसेलरेशन, डिक्रीजिंग होगा तो इसे कहेंगे डी एसेलरेशन। इसको पॉजिटिव के साथ डिनोट करते हैं, इसको नेगेटिव के साथ डिनोट करते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ रहा है। अब ये अगर मैं पूछूं आपसे डायग्राम, ये क्या है, ये कौन सा डायग्राम है, ये डायग्राम कौन सा डायग्राम है ये? हाँ जी, तो ये एक तरीके से एक मौत का कुआं करके ये एक डायग्राम देख पा रहे हैं आप? जी बढ़िया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सर्कुलर मोशन है, क्योंकि ये जो कार है ये बस राउंड राउंड घूम रही है विदाउट एक्सिस, कोई एक्सिस नहीं है, ठीक है, ये बस एक राउंड राउंड कार बस घूम रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? बढ़िया। अब इसी के साथ जब आप मोशन समझ पा रहे हैं, मोशन अगर आपको क्लियर हो पा रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा आप बायोमैकेनिक्स की दो ब्रांचेस, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया, काइनेमैटिक्स डील विद द मोशन एंड काइनेटिक्स डील विद द कॉजेज ऑफ मोशन, ये भी समझ पा रहे हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये मान लीजिए दिस इज द हार्ट ऑफ बायोमैकेनिक्स। अब मुझे बताइए सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं? हाँ जी, सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, मतलब कंफ्यूज एक्चुअली में कहाँ होते हैं? कंफ्यूज होते हैं क्योंकि डेफिनेटली ये है कि मैक्सिमम बच्चों ने, हम मैक्सिमम हम लोगों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, हमने फिजिक्स नहीं पढ़ी, हमने साइंस अगर पढ़ी भी है तो शायद ध्यान नहीं दिया या फिर उतना फोकस नहीं किया, किसी ना किसी रीजन से हमने फिजिक्स नहीं पढ़ पाई, कैलकुलेशंस हमारी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मैथ्स एंड फिजिक्स अगर आपकी वीक है तो आपको दिक्कत है। अगर आप में से किसी ने भी 10th क्लास तक भी अगर आपने बढ़िया करके फिजिक्स पढ़ी है, तो आई डोंट थिंक कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा आपको, ये प्रॉब्लम उसी स्टूडेंट को क्रिएट कर रहा है जिसने 10th क्लास तक फिजिक्स और मैथमेटिक्स पर फोकस नहीं किया। गलती का एहसास हो रहा है?
अब तो चलो टाइम चला गया, अगले जन्म में कर लेंगे, एटलीस्ट अपने बच्चों को बता देंगे भाई साहब 10th और 12th तक पढ़ लो, 10th 12th तक पढ़ लो, 12th तक पढ़ लो बस, उसके बाद जो मर्जी करना जो मर्जी, लेकिन 12th तक सीरियसली पढ़ लो 12th तक। और ये हमें दिन ब दिन समझ में आता है कि यार हमारी जो 12th तक की पढ़ाई थी वो ही है फिजिकल एजुकेशन एक तरीके से देखा जाए तो। थोड़ा बहुत एडवांसमेंट है बस, बाकी ये है एप्लीकेशन यूज कर लो आप, कौन सी चीज कहाँ यूज हो रही है वो है। लेकिन हाँ अच्छा, इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, इसका इसका बेस्ट पार्ट क्या, चलो अफसोस तो बहुत कर लिया हमने अब कोई फायदा नहीं है, इसका बेस्ट पार्ट क्या है, बेस्ट पार्ट ये है कि हम साथ में हैं, ये बेस्ट पार्ट है। बेस्ट पार्ट ये है, न जाने कितने बच्चे होंगे जिनको अभी तक वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, बट हाँ हम एजुकेशन ले पा रहे हैं, ये बेस्ट पार्ट है। चलो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो चलो इसी उम्र में सही, हम 10th क्लास में नहीं सीख पाए तो अब सीख लेते हैं। लेकिन एक चीज को फोकस करना पड़ेगा कि अगर अब आप सीख रहे हैं ना ये चीज, तो बस आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, जल्दी समझ में नहीं आएगा टाइम देना पड़ेगा। अब आपको लेट समझ में आता है तो आप डर जाते हो, आप घबरा जाते हो, मैम आ नहीं रहा आ नहीं रहा, अरे यार वो चीज जो 10th क्लास में सीखनी चाहिए थी वो अब सीख रहे हो, तो टाइम तो लगेगा ना, लगेगा टाइम। तो एक्सेप्ट दिस, जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना तो टाइम, तो आप आराम से सीख जाओगे। तो एक्सेप्ट दिस कि अब आपको यहाँ पे इस टॉपिक में लिख लो भाई, 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है। नंबर 1 फॉर्मूलेस, नंबर 2 यूनिट्स, नंबर 3 इंटरप्रिटेशन। हाँ जी। जब आप इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो इंटरप्रिटेशन आपके फॉर्मूलेस के ऊपर डिपेंड करता है, यूनिट्स आपके फॉर्मूलेस के ऊपर डिपेंड करता है, डेफिनेशन आपके फॉर्मूलेस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यूनिट्स, डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके फॉर्मूलेस के ऊपर डिपेंड करता है। विच मीन्स अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया तो आपको सभी चीजें याद हो जाएंगी, इतना समझ में आ रहा है ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके, क्योंकि मैंने ये डिटेल्ड वीडियो आपको दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ाऊंगी इस चीज को। जब आप डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, डिस्टेंस को आप डी के साथ डिनोट करते हैं ठीक है। नहीं जरा नहीं हुई क्लास, नहीं नहीं हुई क्लास, वेलकम बैक ठीक है यहाँ पर हो रही है। जब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस को आप डी के साथ डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है कि टोटल एरिया, रिमेंबर दिस, टोटल एरिया कवर्ड बाय द बॉडी, टोटल एरिया कवर्ड बाय द बॉडी, आपकी बॉडी ने ए से लेकर बी तक, ए से बी तक टोटल एरिया कितना कवर किया उसे कहते हैं डिस्टेंस, जिसको आप मीटर किलोमीटर में डिनोट करते हैं, इसका सिंबल और इसका यूनिट। इसी के साथ जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है शॉर्टेस्ट एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट एरिया कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट एरिया है, जो शॉर्टेस्ट एरिया है ये वाला, इसे 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 कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। बस ये भी समझ में आ गया, तो इसको भी डी के साथ डिनोट करते हैं, इसका भी यूनिट सेम है। तो ये आप याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट हो कि डिस्टेंस हो, स्पीड हो कि वेलोसिटी हो, ये एक ही चीज है, आप इसको अलग अलग ना समझो। अगर आप कहें मैम हम कंफ्यूज होते हैं कि स्पीड क्या है वेलोसिटी क्या है, अरे एक ही चीज है, केवल और केवल अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपका नाम, मेरा नाम पता है घर का मेरा नाम क्या है, मुझे घर में क्या बुलाते हैं, मैं आपको बताती हूँ, रिवील करती हूँ, मेरा घर का नाम है बेबी ठीक है अब मुझे कभी 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 बड़ा शर्म भी आता है यार, बेबी कौन नाम रखता है यार ठीक है। लेकिन मेरा घर एक्चुअली, मेरा नाम मेरी 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 बुआ के नाम के ऊपर रखा गया है, तो मेरी मेरी बुआ का नाम भी बेबी और मीनाक्षी था, तो मैं सोचती हूँ कई बार कि थैंक गॉड मुझे मीनाक्षी नाम बड़ा पसंद है, तो मैं सोचती हूँ कई बार थैंक गॉड मेरी बुआ का नाम कुछ और नहीं था, है ना, बना बना मेरा नाम उनके नाम पे और पता नहीं क्या ही रख जाता कई बार। चलो कोई बात नहीं, तो घर का नाम कुछ और होता है और आपका प्रोफेशनल नेम कुछ और होता है, तो बेसिकली वही चीज वही इंसान अलग अलग कंडीशन में यूज हो रहा है, बस ये चीज है ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, जब आप स्पीड की बात करते हैं वेलोसिटी की बात करते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी सेम है, बट स्पीड है स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी ठीक है। बढ़िया, स्पीड है स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे केवल इतना से समझेंगे, कुछ क्वांटिटीज है यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं, दीज ऑल आर द क्वांटिटीज, तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है
जिसमें आप केवल मास या फिर मैग्निट्यूड केवल यही डिफाइन कर रहे हैं। समटाइम्स आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, केवल आप ये डिफाइन करते हैं कितना किलोग्राम ऑफ बॉडी मूव कर रही है, दैट्स इट। आप केवल इतना ही इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप यूज करते हैं स्केलर क्वांटिटी, और आप वेक्टर क्वांटिटी तब यूज करते हैं जब आपको मास या फिर मैग्नीट्यूड भी चाहिए और आपको डायरेक्शन की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तब आप यहाँ पर यूज करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जब आप स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर आता है स्पीड एंड डिस्टेंस। तो स्पीड और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर में क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और फोर्स। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? अगर मैं पूछूं आपसे मास मास और वेट, तो मास और वेट में स्केलर क्वांटिटी कौन सा है? मास की वेट, मास और वेट में स्केलर क्वांटिटी कौन सा है? समझ पा रहे हैं? हाँ बढ़िया, मास है स्केलर क्वांटिटी और वेट है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट का फॉर्मूला होता है, हाँ जी, वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी, और ग्रेविटी में डायरेक्शन जरूरी है, ग्रेविटी में डायरेक्शन जरूरी है। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है तो उसका इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो वेट में डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन का इफेक्ट होता है, तो ये बात आप समझ पा रहे हैं। सेम विद दैट, जब आप एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, कोई ऑब्जेक्ट पीछे मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल प्ले है। फोर्स, फोर्स को आप आगे किसी को धक्का दे रहे हो तो बेसिकली आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, दैट इज ऑल्सो डायरेक्शन। तो यहाँ पर जब डायरेक्शन की जरूरत है तो आप यूज करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, और केवल आपको मास की जरूरत है तो आप यूज करते हैं स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि ये। ठीक है, जैसे कि ये क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए अब वापस आते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे। अच्छा, एक चीज और, मैं एक चीज और आपको बताना भूल गई, जब इतना बता ही रहे तो एक चीज और याद रखिएगा। इसको याद करने का एक और तरीका है, अब जब आपको ये समझ में आ गया है कि वेक्टर क्वांटिटीज, अब ये वेक्टर क्वांटिटीज जिस जिस के फॉर्मूले में आएंगे ना वो वेक्टर बन जाएगा। अब ये जो है ये जिस जिस के फॉर्मूले में आएगा वो भी वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू रेडियस। अब बताओ टॉर्क क्या होगा? डायरेक्शन मतलब टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? टॉर्क, वेक्टर टॉर्क वेक्टर। क्यों? क्योंकि टॉर्क में फोर्स आ रहा है, टॉर्क में फोर्स आ रहा है। अब फोर्स अगर वेक्टर है तो फिर टॉर्क भी वेक्टर हो गया। अब समझ में आ रहा है? बढ़िया, वहीं पर अगर मैं पूछूं आपसे मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, अब ये टिप्स पे फॉर्मूला, टिप्स पे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम का मास फॉर्मूला इनटू होता है वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे वेलोसिटी भी है, राइट? दैट मीन ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज मोमेंटम भी आप एक डायरेक्शन में लगाते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो भाई जो भी वेक्टर क्वांटिटी जिसके भी फॉर्मूले में आएगा वो भी वेक्टर बन जाएगा, इतना समझ लो आपस। इससे आपको याद हो जाएगा, अगर आपसे पूछे कि भाई इनमें से कौन कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, इसमें से कौन कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, तो समझ जाएंगे कि जो भी चीज, अब ये आपको याद हो गया, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड फोर्स, ये आपको याद हो गया। अब ये जिसके भी फॉर्मूले में आएंगे, वेट भी, अभी जिसके भी फॉर्मूले में आएंगे, समझ जाना वो भी वेक्टर है, बस बात खत्म। स्केलर में क्या है? स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। अब यहां समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है? चलो अब थोड़ा सा और इसको बंद कर देते हैं, ज्यादा ही बंद हो गया, वापस आ गया। चलिए, यहां तो समझ में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस समझ में आया, अब इसके बाद स्पीड। हाँ जी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टिके। अब स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस है, मतलब दोनों के दोनों स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल। वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, एक ही बात है। ठीक है, अब इसकी यूनिट कैसे निकालोगे? डिस्टेंस की यूनिट, अभी देखिए आपने, डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर।
टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड. तो ये बन गया आपका मीटर पर सेकेंड, बन गया आपका मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सेम विद दैट, यहाँ पर भी सेम है. डिस्प्लेसमेंट की कितनी है? मीटर. टाइम कितनी है? सेकेंड. तो ये बन गया आपका मीटर पर सेकेंड, सेम. बट इतना सा डिफरेंस है कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है बस. वहीं पर अगर आप बात करेंगे एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. ये है यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, जिसको आप कैसे लिख सकते हो? डेल्टा वी अपॉन टी. डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम. या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट का मतलब टाइम. ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है. अब इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा, हाँ जी, इसका यूनिट क्या होगा भाई? अभी आप देखना, अभी आपने देखा मीटर पर वेलोसिटी का सेकंड। यूनिट क्या है. जी, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड. जब एक चीज याद हो गई, इसी को कहते हैं इंटरप्रिटेशन, इसी को कहते हैं इंटरप्रिटेशन. भाई एक चीज याद हो गई, उसको फिर आप दूसरे के साथ रिलेट करना शुरू करो. जब वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो आपने मीटर पर सेकंड लिख दिया अपॉन टाइम कितना है? सेकंड. तो जब नीचे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर होता, तो ये इनटू हो जाता है, ये बन जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब ये रट्टा मार लो. अब एक चीज और है, ये क्रैश कोर्स का टाइम चल रहा है, मतलब ये रिवीजन का टाइम चल रहा है. अब मैं अगर आपको ये बोलूं, अब इसको आप सॉल्व करना सीखो, तो अब सॉल्व करने का टाइम बचा नहीं है, अब आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा. सारे फॉर्मुलेस का रट्टा मार लो. लेकिन सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जिस तरीके से भी सवाल आते हैं, तो फॉर्मुलेस एक दूसरे के साथ आप रिलेट कर सकते हो. जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आप बात कर रहे हो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के फॉर्मुले में क्या आता है? डेल्टा वी अपॉन टी. डेल्टा वी का फॉर्मूला भी आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. तो मतलब एक फॉर्मूला याद हो जाए, तो बाकी अपने आप रिलेट करना शुरू कर दोगे. ये है इसकी खास बात. ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है एक्सेलरेशन, और एग्जैक्टली इसका मतलब समझ में आ रहा है. एक्सेलरेशन का मतलब क्या? अब कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर देखो ये भी ना, एक्सेलरेशन भी ना मेनली तीन तीन तरीके का होता है. इसकी भी थोड़ा सा बात जरा यहाँ पे कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है. या तो होगा एक्सेलरेशन इस टाइप का, भाई 30 मीटर स्पीड इंक्रीज हुई, उसके बाद 30 मीटर स्पीड मेंटेन हुई. मेंटेन मेंटेन को क्या बोलते हैं? दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दिस इज जीरो एक्सेलरेशन. इसे कह सकते हैं आप जीरो एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. जीरो एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है, उसके बाद बचे आपके 40 मीटर, इसमें आपकी स्पीड डिक्रीज हुई. इसे कहते हैं रिटार्डेशन, इसे रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, ये सब कह सकते हैं. ठीक है, ओके, ये समझ में आ रहा है. एक होता है इस तरीके से, जो अभी आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं. एक ये भी है, इसे भी कहेंगे आप एक्सेलरेशन. तो बेसिकली जब आप मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, जब आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी आप समझ पा रहे हैं. अब अगेन इसमें डायरेक्शन तो है, ये वेक्टर है. ठीक है, एक आप वर्टिकल भी मूव करते हैं, वर्टिकल इस तरीके से. ठीक है, तो अगर आप ऊपर जा रहे हैं, तो ये कैसा होगा? ये बेसिकली आप जो एक्सेलरेट कर रहे हैं, वो किस वजह से कर रहे हैं? ग्रेविटी की वजह से कर रहे हैं. तो इसे लिखा जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्या लिखा जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेट आप कर पा रहे हैं. ठीक है, तो जब आप ऊपर जा रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नेगेटिव जब आप ऊपर जा रहे हैं. और जब आप नीचे आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, और कितना है ये? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. कितना है? 9.81. अब इसकी यूनिट क्या होगी बता दो, आप बताओगे व्हाट विल बी द यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम रहेगी. क्या रहेगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेम रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन की अभी आपने देखा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी भी सेम रहेगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बढ़िया, समझ में आ रहा है, ग्रेट. ठीक है, बढ़िया. अब इसी के साथ देखेंगे आप. अच्छा, ये तो हो गया तीन. अब एक एंगुलर में भी होता है, जब आप सर्कुलर मोशन करते हैं या फिर एंगुलर मोशन करते हैं. सो टुवर्ड्स द सेंटर, जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन होता है, वो कौन सा होता है? कल बताया था मैंने, कम ऑन. टुवर्ड्स द सेंटर जो एक्सेलरेशन होता है, वो होता है रेडियल एक्सेलरेशन. रेडियल, रेडियल रेडियल एक्सेलरेशन या टुवर्ड्स सेंटर. और अवे फ्रॉम द सेंटर होता है टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन.
बस ये तीन टाइप का होता है एक्सेलरेशन, समझ पा रहे हैं? बढ़िया। अगेन डायरेक्शन की बात की जा रही है, तो ये आपको दोनों समझ में आ गया, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये हो गया आपका लीनियर, क्या हो गया ये हो गया आपका लीनियर काइनेमेटिक्स, ठीक है? ये हो गया आपका लीनियर जी काइनेमेटिक्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर काइनेटिक्स की। जब आप लीनियर काइनेटिक्स की बात करते हैं तो भाई देखो, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू ए, मास इंटू एसेलरेशन। अब मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम। एसेलरेशन की यूनिट क्या है, अभी देखा था आपने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लो बन गया आपका फोर्स, ये भी मिल गया, ठीक है। इनर्शिया, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। इनर्शिया आपकी बॉडी की प्रॉपर्टी है, आपकी बॉडी का नेचर है। आप उस बॉडी, अगर कोई भी बॉडी इनर्शिया में है, इसका मतलब है उसे हिलाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। एवरी बॉडी हैव इनर्शिया, एवरी बॉडी, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, एवरी बॉडी हैव इनर्शिया। तो उसको, इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए आपको उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्या मैं ये कह सकती हूँ, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स? क्या मैं ये कह सकती हूँ, अगर मैं मास बढ़ाऊंगी तो फोर्स अपने आप बढ़ जाएगा? क्या ये बात सही है? यस मैम, यस मैम। अब इस बात को समझने के लिए आप एक चीज और यहाँ पे समझेंगे, इस बात को समझने के लिए आप एक और चीज यहाँ पे समझेंगे, रिलेशनशिप को समझिएगा, ठीक है? मान लीजिए अगर कोई भी चीज, जैसे सपोज करिए एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो मैंने पूछा आपसे कि भाई इसमें और इसमें क्या रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप दो टाइप का होता है, या तो डायरेक्टली होगा या फिर इनडायरेक्टली। इसे कहते हैं डायरेक्टली, इसे कहते हैं, प्लीज अपना माइक ऑफ करिए प्लीज, इसमें इसे कहते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है? इस टाइप के रिलेशन को कहते हैं इनडायरेक्टली। नाउ एक चीज और, ये तो हो गया रूल नंबर वन, ठीक है? दूसरा रूल क्या कहता है, ये दिख रहा है आपको इजिकल टू, ये दिख रहा है आपको इजिकल टू। अब इजिकल टू में देखेंगे आप कि जब कोई भी चीज पैरेलल है, पैरेलल, तो ये कैसा होगा रिलेशन, डायरेक्टली। ये कैसा होगा, डायरेक्टली, रूल नंबर टू में समझा रही हूँ आपको। अगर इजिकल टू के अगल बगल अगर पैरेलल कोई चीज आपको दिख रही है तो ये कैसा होगा, डायरेक्टली। वहीं पर अगर ऐसा हुआ या फिर ऐसा हुआ, तो अब कैसा होगा, अब कैसा होगा, इनडायरेक्टली। अब कैसा होगा, इनडायरेक्टली। तो ये चीज समझ में आ रही है आपको, ठीक है? अब ये जब आपको समझ में आ गया है, तो ये रूल, दो रूल समझने के बाद अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये दो रूल समझाने के बाद अब अगर मैं पूछूं आपसे कि फोर्स में और मास में क्या रिलेशनशिप है, हाँ इनडायरेक्टली भी कह सकते हैं और आप इनवर्सली भी कह सकते हैं, इनवर्सली भी कह सकते हैं, ठीक है? बढ़िया। फोर्स और मास में क्या है रिलेशनशिप, इज इक्वल टू के पैरेलल है, यहाँ पे इज इक्वल टू के पैरेलल है, तो ये हो गया डायरेक्ट, ये हो गया डायरेक्ट। वहीं पर अगर मैं मास और एसेलरेशन, अगर मैं आपसे मास और एसेलरेशन के बारे में पूछूं, तो अब इसके लिए, अब देखो बीच में इनटू है रिलेशनशिप। अच्छा रूल नंबर थ्री लिखो, रूल नंबर थ्री, रूल नंबर थ्री लिखो, रूल नंबर थ्री ये है कि रिलेशनशिप इज इक्वल टू के अगल बगल ही देखेंगे आप, बीच में इज इक्वल टू आना चाहिए, तब जाके आप रिलेशनशिप चेक कर पाएंगे। ये रूल नंबर थ्री है, ठीक है? अब यहाँ पे मास और एसेलरेशन के बीच में अगर मैं रिलेशनशिप अगर देखूंगी, तो इन दोनों के बीच में निकालने के लिए मुझे बीच में इज इक्वल टू लाना पड़ेगा। तो मतलब ए को मुझे यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, जब ए यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए हो जाएगा। अब मास में और एसेलरेशन में क्या रिलेशनशिप है बता दो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली होगा मैम, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली होगी।
जी समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट, क्योंकि ये इज इक्वल टू के ऊपर नीचे आ रहा है। अब समझ में आ रहा है आपको। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब है कि अगर कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर कोई चीज बढ़ रही है तो फिर दूसरी भी बढ़ेगी, अगर कोई चीज घट रही है तो फिर दूसरी भी घटेगी। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अगर एक चीज बढ़ रही है तो फिर दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक चीज घट रही है तो फिर दूसरी भी घटेगी, इस तरीके से। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। चले तो अब चलते हैं वापस। तो भाई इनर्शिया समझ में आया, इनर्शिया को आप डिनोट करते हैं, इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। ठीक है, मास और वेट का भी आपको रिलेशनशिप समझ में आ रहा है। तो जो मास, मास मतलब हो गया कि द अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी, या इनवर्सली में क्या होता है, जब एक चीज बढ़ेगी फिर दूसरी घटेगी, उसको हम इनवर्सली कहते हैं। मास में हो गया द अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी टोटल, और वेट का फॉर्मूला हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर वेट ऊपर नीचे अगर हो सकता है, बट मास चेंज नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इंपल्स का फॉर्मूला क्या बताइए, इंपल्स, इंपल्स का फॉर्मूला क्या होगा? F into T. बढ़िया, इंपल्स का फॉर्मूला हो गया आपका F इंटू टी, मतलब कितना अमाउंट ऑफ फोर्स कितने टाइम में अप्लाई किया जा रहा है, इसे कहते हैं इंपल्स। वहीं पर अगर आप प्रेशर की बात कर रहे तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर, 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 प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स फोर्स अपॉन एरिया. अपॉन एरिया, इसे कहते हैं प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो इसका आप यूनिट निकाल पाएंगे, अगर आप इंपल्स की यूनिट की बात कर रहे हैं तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन और टाइम का है सेकंड, तो बन गया ये न्यूटन सेकंड। वहीं पर अगर आप इंपल्स की बात कर रहे हैं, इंपल्स निकाल लिया हमने, प्रेशर, प्रेशर का कितना हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया नीचे है, एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, मतलब मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर कब लगाते हैं, जब अपॉन में होता था तब लगाते हैं पर, और इंटू होता तब इसमें सिंपल ऐसे लिख देते। वहीं पर अगर आप मोमेंटम की बात करें तो भाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया, जी मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया, एम इन टू बी। बढ़िया, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, कितना अमाउंट ऑफ मास कितने कितने वेलोसिटी के साथ अप्लाई किया जा रहा है, सिंपल। तो यहाँ पर ये मास का हो गया किलोग्राम, और वेलोसिटी का क्या है, किलोग्राम वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकेंड। बढ़िया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, डन, ये हो गया मोमेंटम का। बढ़िया, क्लियर। तो ये तो हो गया आपका लीनियर काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, इतना समझ में आ गया। अच्छा बढ़िया, अब ये समझ में आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं भाई मोमेंटम का इंपल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायरेक्टली रिलेशन। ठीक है, अब मोमेंटम क्या है, मोमेंटम का मतलब हो गया आपका, मोमेंटम को डिनोट करते पी के साथ, ये हो गया डेल्टा वी एम। चलो कुछ छोड़ो, अभी ऐसे नहीं निकाल रहे, टाइम लग जाएगा इसको, सिंपल। तो आप यहाँ पे सिंपल याद रखिएगा, मोमेंटम का इंपल्स के साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप है। कैसे, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर, या अगर हम यहाँ पे फोर्स का रिलेशनशिप मास के साथ देखें, या फोर्स का रिलेशनशिप वेलोसिटी के साथ देखें, तो कैसा है रिलेशनशिप, डायरेक्टली तो है, डायरेक्टली तो है, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन, विच मीन्स फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू वी अपॉन टी। समझ में आ रहा है आपको? ये एक्चुअली बट टी अगर हम यहाँ ले जाएं, अगर टी हम ये यहाँ ले जाएं, तो ये क्या बन जाएगा, एम इंटू वी अपॉन टी ही तो बन जाएगा। तो
तो ये क्या है, ये फोर्स का ही तो बन गया फॉर्मूला। तो रिलेशनशिप कैसा है, ये मोमेंटम का इंपल्स के साथ डायरेक्टली। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये चीज मैं पहले ही भी आपको वीडियो में समझा चुकी हूँ, ठीक है, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो अब इसको आप रट मारो बस सिंपल, कि भाई मोमेंटम में और इंपल्स में कैसा है रिलेशनशिप, डायरेक्टली है, इसका फॉर्मूला याद कर लो, बस इतना करना है आपको, ठीक है। बढ़िया, चलते हैं वापस। कुछ को कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे। ऑडियो ऑफ रखेंगे प्लीज सब लोग। बताइए क्या रहेगा आंसर। सो यस, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द बॉडी बोथ रेस्ट एंड मोशन। बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डिस्क्राइब द कॉज ऑफ फोर्स। भाई मैकेनिक्स की ब्रांच जो कॉज ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ फोर्स का मतलब मोशन। कॉज ऑफ फोर्स क्या है भाई, फोर्स किस वजह से, मतलब फोर्स की वजह से क्या होता है, मोशन होता है। तो भाई स्टडी ऑफ मोशन किसको कहते हैं, काइनेमेटिक्स, टू का ए। इसके बाद थ्री, इन नेचर द ह्यूमन मोशन इज, नेचर में ह्यूमन मोशन कैसा होता है। हाँ जी, रोटेशनल भी होता है और एंगुलर, एक ही बात है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। कैनमैटिक्स एनालिसिस द इफेक्ट ऑफ, कैनमैटिक्स किसके साथ, मतलब कैनमैटिक्स एनालाइज कैसे करती है इफेक्ट को, कैनमैटिक्स में हम किस चीज को एनालाइज करते हैं, किसके इफेक्ट को, फोर्स के इफेक्ट को एनालाइज करते हैं, फोर्स के इफेक्ट को एनालाइज करते हैं मूवमेंट के ऊपर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया। इसी के साथ जब आप फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, भाई न्यूटन के तीन लॉ हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। बढ़िया। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे, तो फर्स्ट लॉ में भी हम लोग इनर्शिया की बात कर रहे हैं, सेकेंड लॉ में हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं, मोमेंटम की बात कर रहे हैं, और थर्ड लॉ में भी हम, थर्ड लॉ में हम किसकी बात कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस की बात कर रहे हैं, फोर्सेस। तो तीनों में हम लोग एक तरीके से किसकी बात कर रहे हैं, काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, काइनेटिक्स। देखने में लग रहा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो आप लोग यहाँ पे लगा दोगे काइनेमेटिक्स। थोड़ा सा अंदर जाओ, जब अंदर जाओगे तो समझ में आएगा एक्चुअली में ये है तो काइनेटिक, मोशन किस वजह से हो रहा है ये बताया हुआ है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, मोशन किस वजह से होता है ये बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, सिक्स क्वेश्चन नंबर क्या है आपके सामने, लीनियर मोशन को और क्या कहते हैं। भाई लीनियर मोशन का कहा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। बढ़िया। उसके बाद भाई ड्यूरेशन का मतलब क्या, ड्यूरेशन को किस में मेजर करते हैं, टाइम में मेजर करते हैं, ड्यूरेशन को टाइम में मेजर किया जाता है। इसके बाद स्पीड, अभी हमने बात किया स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड कहाँ लिया हुआ है, फटाफट, अब देखो मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं और किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर कहाँ दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाता है। बढ़िया। इसी के साथ ही भाई मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद, अगेन बोथ ए एंड बी। बढ़िया, ये बताइए, ये बताइए, मास एंड वेट आर टू डायमेंशंस ऑफ मैटर, इसकी भी हम लोगों ने अभी बात करी थी। तो मास चेंजेस बट वेट रिमेन्स अनचेंज, ये गलत है। मास इज फिक्स्ड बट वेट चेंजेस, ये सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मास फिक्स्ड रहता है बट वेट बदलता रहता है, क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो वेट कम हो जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो फिर वेट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये समझ पा रहे हैं। इसी के साथ भाई इनमें से कौन कौन से कैरमेटिक्स पैरामीटर्स है, इनमें से कौन कौन से कैरमेटिक्स पैरामीटर्स है, बढ़िया। तो काइनेमेटिक्स पैरामीटर्स की अगर आप बात कर रहे हैं, तो काइनेमेटिक्स में आ गया आपका डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, टू थ्री फोर कहाँ दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, ये काइनेमेटिक्स पैरामीटर्स हो गए, ठीक है। इसी के साथ जब आप 14 की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक्स पैरामीटर्स कौन से हो गए,
काइनेटिक्स पैरामीटर्स कौन कौन से हो गए? तो काइनेटिक्स पैरामीटर्स हो जाते हैं यहाँ पे, बढ़िया, फोर्स और इम्पल्स। तो फोर्थ एंड टू, टू एंड फोर्थ, टू एंड फोर्थ सी, टू एंड फोर सी, बढ़िया। ये समझ में आ रहा है? ग्रेट। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। द मोशन ऑफ अ पोल वॉल्टर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आफ्टर क्लियरिंग द बार इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई आफ्टर क्लियरिंग द बार, बार क्लियर करने के बाद, बार क्लियर करने के बाद जब प्लेयर नीचे की तरफ आ रहा है, इसे कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा रेगुलर एसेलरेटेड मोशन। ठीक है, कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली स्पीड इंक्रीज हो रही है, कॉन्स्टेंटली स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसे कहा जाएगा रेगुलर एसेलरेटेड मोशन। ठीक है, बी समझ में आ रहा है? बढ़िया। इसी के साथ अगर आप इसके फॉर्मूले की बात करें तो भाई फॉर्मूला भी समझ में आ रहा है, फॉर्मूला भी समझ में आ रहा है। ग्रेट। हाँ जी, फॉर्मूले में क्या बात हो रही है? फोर्स का फॉर्मूला है एम इंटू ए, वेट का फॉर्मूला है एम इंटू जी, ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला है एम इंटू वी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है एम ओमेगा आर स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, सॉरी एम ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो बताइए क्या होगा आंसर? समझ में आ गया? बढ़िया, ग्रेट। तो यहाँ पे फोर्थ का वन, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है जी, ग्रेट। टू का थ्री, बढ़िया। उसी के साथ एक और बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा ये अगर आपने सॉल्व कर लिया ना, अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो मैं मान जाऊंगी आपको, मतलब आपको समझ में आ गया। बताओ क्या होगा आंसर? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से करो जी। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर है यहां तक? ओके, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, पूछा है व्हाट विल इंक्रीज, क्या इंक्रीज होगा अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाए। आप जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में और एंगुलर मोमेंटम में डायरेक्टली रिलेशनशिप है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में और एंगुलर वेलोसिटी में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। अभी देखा हम लोगों ने, समझ पा रहे हैं? तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के डिक्रीज होने से क्या चीज बढ़ेगी? ये तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इसके कम होने से ये भी कम होगा, बट इसके कम होने से ये बढ़ेगा क्योंकि ये इनडायरेक्टली है। तो ये जब ये यहां आ जाएगा तो ये वन अपॉन एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये कम होने से ये बढ़ेगा। और ये बात तो हम जानते हैं, रेडियस, एक रिलेशनशिप और जो आप जानते ना, रेडियस का आपके एंगुलर मोशन के ऊपर कैसा फर्क पड़ता है? बताओ, रेडियस का आपके एंगुलर मोशन के ऊपर कैसा फर्क पड़ता है? इनवर्सली, इनवर्सली। ठीक है, मतलब अगर आप रेडियस कम कर देंगे तो एंगुलर एंगुलर मोशन कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा अगर रेडियस कम कर देंगे आपको, और अगर आप रेडियस बढ़ा देंगे तो एंगुलर मोशन कम हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है, ये भी इससे भी आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं? बढ़िया, ग्रेट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज वाई इसका आंसर बी। ओके, चलिए 18 क्वेश्चन नंबर आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है?
जी तो देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है और स्पीड स्केलर है, तो ये स्टेटमेंट गलत साबित हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। इसी के साथ अब आगे बढ़ने से पहले एक बार ये भी इसके ऊपर भी नजर मार लेते हैं एक बार। ठीक है, अब जब आप बात कर रहे हैं यहाँ पे एंगुलर एंगुलर मोशन की, तो अभी आपने यहाँ पे लीनियर समझ लिया, अब एक बार एंगुलर काइनेमेटिक समझ लेते हैं। एंगुलर और लीनियर काइनेमेटिक, ठीक है, जब आप एंगुलर की बात कर रहे हैं, ओके, जब आप एंगुलर की बात कर रहे हैं तो भाई एंगुलर डिस्टेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप ये देखिए एंगुलर डिस्टेंस को डिनोट करते हैं फाई के साथ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को करते हैं थीटा के साथ। अब एंगुलर में समझ में आ रहा है, अभी तक आप मोशन कर रहे थे डायरेक्टली सीधा सीधा, अब आप मोशन कर रहे हैं एंगल में, मतलब यहाँ पे बीच में एक्सिस है, उसके अगल बगल आप मोशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको मोशन किस डायरेक्शन में होगा? सर्कल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, बीच में एक्सिस है तो बीच में रेडियस भी होगा, तो यहाँ पर आप जो भी एरिया कवर करेंगे अब उसको डिग्री में लिखा जाएगा। तो अभी तक आप लिख रहे थे मीटर में, अब लिखेंगे आप डिग्री में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन, डिग्री या फिर रेडियन। ये भी समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वही चीज है, द शॉर्टेस्ट एंगल कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द टोटल एंगल कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स इज एंगुलर डिस्टेंस। वहां पर लीनियर था, अब यहाँ पर एंगुलर है, इतना सा डिफरेंस है बस। ठीक है, एक और चीज याद रखेंगे, 180 डिग्री इज इक्वल टू टू 1 पाई रेडियन, मतलब 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, इसे याद रखेंगे आप। 1 पाई रेडियन 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री। इसी के साथ जब आप एंगुलर स्पीड की बात कर रहे हैं तो एंगुलर स्पीड को डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ, सिग्मा। ठीक है, ये क्या है, ये सिग्मा। वहां पे क्या था फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब यहाँ क्या हो जाएगा एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल। यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन अपॉन सेकेंड, डिग्री अपॉन सेकेंड या फिर रेडियन अपॉन सेकेंड। ठीक है, इसके बाद जब आप एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो इसे डिनोट करते हैं ओमेगा के साथ, अभी हमने देखा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बस केवल एंगुलर ऐड हो जाएगा, थीटा अपॉन टी। पाई हम कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस को और थीटा कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। ये समझ में आ रहा है? जब आप बात कर रहे हैं एंगुलर एसेलरेशन की तो इसे करते हैं डिनोट अल्फा के साथ, वहां क्या था लीनियर एसेलरेशन, क्या था लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहां क्या हो जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टाइम। ये भी समझ में आ रहा है? ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप केवल इतना, आप देखो ज्यादा ज्यादा खास समझने की जरूरत नहीं, केवल आप ना रट्टा मार लो, क्योंकि मैंने वहां पे अपने पुराने वीडियो में पूरा समझाया हुआ है। अभी केवल आप इसको इतना समझ लो कि भाई एक तो ये रिलेशनशिप आप याद रखो, एक आप याद रखो ये वाला रिलेशनशिप, ये दो रिलेशनशिप आप याद रखो, ये दो रिलेशनशिप आप याद रखेंगे, V इज इक्वल टू आर ओमेगा और A इज इक्वल टू आर एल्फा। दैट मीन्स लीनियर मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोशन, लीनियर मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोशन। ठीक है, बट एंगुलर मोशन इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड लीनियर मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये तीन स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी, मतलब अगर रेडियस ज्यादा है, अगर रेडियस ज्यादा है तो लीनियर मोशन कैसा होगा, ज्यादा होगा, अगर रेडियस ज्यादा है तो लीनियर मोशन ज्यादा होगा। लीनियर मोशन का मतलब क्या भूले तो नहीं, लीनियर मोशन का मतलब क्या, बॉडी विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन,
लीनियर डिस्टेंस ज्यादा होगा अगर रेडियस ज्यादा है, इस बात को सुन लेना ध्यान से अच्छे से, ठीक है। लीनियर मोशन का एंगुलर मोशन के साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप है, ये भी समझ में आ रहा है। एंगुलर मोशन का रेडियस के साथ कम रिलेशनशिप है, मतलब अगर रेडियस ज्यादा होगा तो एंगुलर मोशन कम हो जाएगा। अब ये तीन स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गई तो इसको हम बेस्ट एग्जाम्पल है शॉटपुट डिस्कस हैमर, बेस्ट एग्जाम्पल। अब यहां पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं शॉटपुट की और हैमर की, मुझे इतना बता दो दोनों में रेंज किसकी ज्यादा है, दोनों में रेंज किसकी ज्यादा हैमर है, हैमर की ज्यादा है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर दोनों में हैमर की रेंज ज्यादा है तो रेंज मतलब लीनियर डिस्टेंस, लीनियर मोशन, ठीक है। तो लीनियर मोशन के लिए कौन कौन चीज रिस्पॉन्सिबल होगी, ये जो लीनियर डिस्टेंस ज्यादा कवर किया गया है इसके पीछे दो रीजन है। पहला, रेडियस ज्यादा है हैमर में, लीनियर डिस्टेंस जो कवर किया गया है वो हैमर का रेडियस ज्यादा है। दूसरा, जो आपने घूमा है ना, जो आपने स्पिन किया है, वो स्पिन की वजह से रेडियस ज्यादा हुआ है, सॉरी स्पिन की वजह से रेंज ज्यादा हुआ है, आप समझ पा रहे हैं। दैट इज वाई जब हैमर में आप घूम कर थ्रो करते हैं, आप शॉटपुट में घूम कर थ्रो करते हैं तो ज्यादा दूर जाता है, बिकॉज एंगुलर मोशन का लीनियर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एग्री, दोनों में समझ में आ गया। शॉटपुट में इसलिए कम होता है क्योंकि शॉटपुट में रेडियस भी कम है और फिर भी आप एंगुलर मतलब रेडियस की वजह से है मेनली, मेन पंगा ये है, शॉटपुट में इसलिए कम रहता है। नेक्स्ट, अगर आप बात कर रहे हैं एंगुलर मोशन की और रेडियस की, तो स्पिन करने में किसमें डिफिकल्टी ज्यादा होती है, आपने अगर हैमर थ्रो किया है तो आपको पता होगा स्पिन करने में किसमें डिफिकल्टी ज्यादा होती है, शॉटपुट में कि हैमर में। हैमर थ्रो में उसमें भी होगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, किसमें होगा, हैमर में घूमने में ज्यादा टाइम लगेगा, डिफिकल्टी होगी, रीजन क्योंकि उसमें रेडियस ज्यादा है। इतना समझ में आ गया, बस बस खत्म बात, इतना ही मामला है बस। आपने देखा होगा, एक मिनट दीपांशु, एक मिनट एक मिनट, मैंने क्या बोला था, डाउट्स, अभी रुक जाओ, मैं आपके सबके डाउट्स देखूंगी, ठीक है, अभी लेके दो आप, कोई बात नहीं, मैं डाउट्स देखूंगी अभी फिलहाल के लिए, तो समझो समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, आपने देखा होगा रोप वॉकिंग, देखा आपने रोप वॉकिंग, मेले में भी कई बार देखा होगा, ऐसे रोड के साइड में भी कई बार आपने देखा होगा रोप के ऊपर चलते हैं, तो बैलेंस को बढ़ाने के लिए वो डंडा यूज करते हैं, बड़ा सा लंबा सा डंडा, उससे क्या होता है, एक तो बैलेंस मेंटेन रहता है और क्या होता है, रेडियस बढ़ गया, मुझे बताओ रेडियस बढ़ गया, रेडियस के बढ़ने से क्या कम हो जाएगा, मूवमेंट एग्जैक्टली एंगुलर मूवमेंट मोशन, मतलब वो गिरेगी नहीं, अब वहां पे अटैचमेंट का है उसके पैर, जहां से उसने रोप को कहां पे अटैच किया हुआ है, पैरों से, मतलब वो पैरों से गिर सकती है, अब वो गिरेगी नहीं, एंगुलर मोशन कम हो गया, क्यों, क्योंकि रेडियस बढ़ा दिया आपने, अब समझ रहे हो, डिफिकल्टी ज्यादा होगी उसे डंडा ले लो आप, मतलब ऐसा करना मत फालतू में क्यों रोजी रोटी पे लात मारोगे, लेकिन एक्चुअली में दिस इज द लॉजिक, ये उसको भी नहीं पता होगा, उसको बताना कभी भी, मैंने किया था ऐसा, तो ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि उनको पता होना चाहिए ये चीज और ये क्यों होता है ये भी उनको, राइट, ठीक है। तो एंगुलर एंगुलर मोशन जो है वो कम हो जाएगा, रेडियस बढ़ गया, तो ये टेक्निक्स है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, बढ़िया। अब मैंने क्यों आपको एग्जाम्पल दिया, क्योंकि आपके एग्जाम में ना ये भी आ सकता है, इतना भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अभी भी देखो मेरी क्लास में ना थोड़े बहुत हिल रहे हैं बच्चे, कम कम ज्यादा कम ज्यादा, जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एक मिनट आपके लिए बड़ा कीमती है, मैंने क्या बोला, ये क्लास पढ़ लो, आपको खुद रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इस क्लास के बाद ना एक बहुत ही कमाल की चीज बताऊंगी मैं आपको, बहुत ही कमाल की, मतलब डेफिनेटली आपका दिल खुश हो जाएगा, डेफिनेटली, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये चीज आपने, अगर आप में से पक्का कोई ना कोई जरूर होगा जिसने करी होगी, एनालाइज की होगी, बट मैंने जब एनालाइज करी अच्छे से तब मुझे समझ में, अच्छा ये बात है, तो क्लास के बाद एक बड़ी मजेदार चीज आपको सुना के जाऊंगी, वो भी ऑफलाइन, रिकॉर्ड नहीं करूंगी, तो सुनना है तो लास्ट तक रहना, ठीक है। बट ये ट्रस्ट, मैं ट्रस्ट दिला रही हूँ, बात बहुत मजेदार है, मैं झूठ नहीं बोल रही, ठीक है, चलिए। तो ये समझ में आ रहा है आपको, ओके डन, तो ये आप रिलेशनशिप समझ पा रहे हैं, सेम फॉर वेलोसिटी सेम फॉर एक्सीलरेशन,
क्योंकि वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली? वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली? डायरेक्टली 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 भाई ना, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन टी, तो डायरेक्टली 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 डायरेक्टली, सिंपल। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ रहा है, ये एग्जाम्पल वही सब लिखे हुए हैं, वही सब वही सब। तो ये हो गया आपका एंगुलर काइनेमेटिक। जब आप बात कर रहे हैं एंगुलर काइनेटिक की, देखिए, इसेंट्रिक फोर्स जो सेंटर से ना लगे। कल एक सवाल और किया था हमने कि अगर आपको किसी भी बॉडी में ज्यादा फोर्स लगाना है, आई थिंक आएगा सवाल, अगर किसी भी बॉडी में अगर आपको ज्यादा फोर्स लगाना है तो आपको उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हिट करना होता है, तो वो ज्यादा दूर तक जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने उसके साइड से किया तो वो स्पिन हो जाएगी, तो वो घूम जाएगी, तो वो डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, ये बात होती है, ठीक है। बाकी इसेंट्रिक फोर्स वो फोर्स है जो कि सेंटर से नहीं लगता, साइड से लगता है। इसेंट्रिक फोर्स की वजह से क्या होगा, स्पिन होगी बॉडी, ठीक है, आपका मेन पर्पस स्पिन करना ही है। स्पिन करने से क्या होता है, स्पिन करने से क्या होता है, रिड्यूस फ्रिक्शन। एक तो एडवांटेज मिलता है, फ्रिक्शन कम होता है, जब आप स्पिन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। वीडियो चल रही किसकी, अब तो चल रही है यार, डराओ मत। ओके, रिड्यूस द फ्रिक्शन, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अच्छा, कपल फोर्स, कपल फोर्स मतलब केवल इसकी कंडीशन याद रखो, कपल फोर्स क्या, दैट मींस दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके बीच में एक पैरेलल डिस्टेंस होता है, उसे कहते हैं कपल फोर्स। कपल फोर्स क्या, दो फोर्स जो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, जिसके बीच में एक पैरेलल डिस्टेंस होता है, उसे बोलते हैं कपल फोर्स, सिंपल। इसी के साथ जब आप बात कर रहे हैं टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज द एंगुलर फोर्स, ये है लीनियर फोर्स, और टॉर्क उल्टा जे, टॉर्क इज द एंगुलर फोर्स। लीनियर फोर्स में, एंगुलर फोर्स में क्या डिफरेंस है? कपल फोर्स लाइक जैसे आप ड्राइव करते हो ना, ड्राइव में जो आपका ड्राइविंग के टाइम पे जो आपके पास स्टीयरिंग होता है वो, ठीक है, उसके बीच में आप देख रहे हो स्टीयरिंग है, बीच में रेडियस है, और दोनों में इक्वल इक्वल डिस्टेंस है, एक हाथ आप नीचे लेके जा रहे हो, एक हाथ ऊपर लेके जा रहे हो, दोनों अपोजिट चलते हैं, ठीक है, ये कपल फोर्स हो गया, दोनों एक साथ अपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है जी। सो व्हाट आई वाज सेइंग, एंगुलर फोर्स। हाँ जी, मैं सवाल क्या पूछ रही थी, एंगुलर फोर्स फॉर्मूला क्या है इसका, एंगुलर फोर्स का टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू रेडियस। रेडियस को आप मोमेंट आर्म भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है, तो समझ में आ रहा है। अच्छा, तो टॉर्क में और फोर्स में, मैंने किसी को पुश किया, किसी को पुल किया, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका लीनियर फोर्स, ये क्या हो गया आपका, लीनियर फोर्स हो गया। वहीं पर अगर मैं टॉर्क की बात करूं, मतलब मैंने किसी चीज को घुमा दिया, मैंने घुमा दिया, तो वहां पर मैं टॉर्क अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, तो टॉर्क में फोर्स ज्यादा होता है, टॉर्क में आप ज्यादा फोर्स, मतलब टॉर्क आपको ज्यादा एडवांटेज देता है, आप ज्यादा लोड ओवरकम कर पाएंगे। जस्ट लाइक मान लीजिए, जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब मेनली अगर आप मोमेंट आर्म बढ़ा दें, रेडियस अगर आप बढ़ा दें, ठीक है, किसी भी चीज में अगर आप रेडियस बढ़ा दें तो उसमें फोर्स ज्यादा आपको, मतलब उसमें आप ज्यादा एडवांटेज ले पाएंगे फोर्स का। तो ये बात अगर हम बात करें तो रेडियस का और टॉर्क का क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट, रेडियस ज्यादा होगा तो टॉर्क भी ज्यादा होगा, ठीक है, इफेक्ट ज्यादा होगा, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आ गया आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई के साथ डिनोट करते हैं, किसके साथ, आई के साथ, आई के साथ, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, एम इंटू आर स्क्वायर, तो ये अभी हम लोगों ने देख ही लिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, तो अभी हमने रिलेशनशिप यही देखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी कैसे हैं, कैसे हैं, इनवर्सली रिलेशनशिप है, कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप, ये अभी देखा हम लोगों ने, ठीक है, ओके, डन डन डन, समझ पा रहे हैं, ये था टॉपिक आपका ये वाला। अब टॉर्क में अगर आप यहाँ पर सिंपल देखें, देखो फॉर्मूला आपने समझ ही लिया है, उसके बाद अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये दो टाइप का होता है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज है
और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज को क्या कहेंगे, किस टाइप को टॉर्क कहेंगे? क्लॉकवाइज इसे कहेंगे नेगेटिव टॉर्क, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज इसे कहेंगे पॉजिटिव टॉर्क। उल्टा होता है ये उल्टा होता है, ठीक है, बस इतना समझने वाली बात है यहाँ पे। अब चलते हैं वापस, सेंट्रिपिटल और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, ये तो बहुत मजेदार टॉपिक है ये तो। तो भाई सीधी सी बात है, जब आप कोई भी फोर्स लगा रहे हैं सर्कुलर मोशन में, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को घुमाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर, नहीं, नो ब्रेक अरे बस बस एंड होने वाला है, अभी एंड होने वाला है, ठीक है। जब आप सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रिफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रिपिटल फोर्स का मतलब हो गया व्हेन द ऑब्जेक्ट, दैट मींस जब ऑब्जेक्ट को आप पुल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये हो गया सेंट्रिपिटल फोर्स, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रिफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं। मुझे जरा बता दो, क्या सेंट्रिपिटल फोर्स और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स को कपल फोर्स कह सकते हैं? क्या सेंट्रिपिटल फोर्स और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स को कपल फोर्स कह सकते हैं? यस मैम, यस इक्वल एंड अपोजिट तो है, क्यों नहीं कह सकते हैं? मैम, पैरेलल नहीं है। सर्कुलेटरी नहीं, पैरेलल नहीं है, बीच में रेडियस नहीं है, बढ़िया, बीच में रेडियस नहीं, समझ में? ये बिल्कुल, मतलब बस लॉजिक समझ में आ गया, मतलब आपको कंडीशन, जो जो मैं कंडीशन बता रही हूँ ना, वो कंडीशन आप आप लिख लो, रट मारो, हाँ, तो आप अपना आंसर निकाल पाओगे, सिंपल। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, समझ में आ रहा है? नाउ दिस इज द फॉर्मूला, ये निकाला हुआ इस तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब आप ये भी जानते हैं भाई, वी स्क्वायर का जो हम लोगों ने अभी रिलेशनशिप निकाला था वो कैसा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कट गया तो बचा आपके पास एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये है फाइनल फॉर्मूला। तो ये सेंट्रीफ्यूगल का भी यही फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल का भी यही फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, बढ़िया। इसी के साथ जब हम बात मैम, करते हैं, हाँ जी, हाँ हेलो जी, मैम, जब फॉर्मूला सेम है मैम, पता कैसे चलेगा कि सेंट्रिपिटल का नेगेटिव और स्पीड? या नेगेटिव और पॉजिटिव तरीके से जो सेंट्रीफ्यूगल है उसमें बस नेगेटिव लग जाता है, नेगेटिव नेगेटिव ओके साइन लग ओके जाता है, हाँ, और सेंट्रिपिटल में लग जाता है पॉजिटिव साइन, ये है। बाकी ये है कि सेंट्रिपिटल फोर्स और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स में सेंट्रिपिटल फोर्स आपका मैनमेड फोर्स है, क्योंकि ये हम क्रिएट करते हैं, मैनमेड फोर्स हम क्रिएट करते हैं, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ये नेचुरल फोर्स होता है जो अपने आप क्रिएट होता है, ठीक है। बेसिकली जब भी आप घूमोगे तो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगेगा ही लगेगा, जब भी आप घूमोगे टर्न करोगे सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगेगा ही लगेगा, उसे ओवरकम करने के लिए आप सेंट्रिपिटल फोर्स इंक्रीज करते हो, या तो आप टेढ़े हो जाओगे, जैसे कि 200 मीटर में, 200 मीटर में आप टेढ़े हो जाते हो ताकि सेंट्रिपिटल फोर्स बढ़ जाए, अदरवाइज हाईवे पे, हाईवे को ही हम लोग टेढ़ा करते, क्योंकि कार तो टेढ़ी होगी नहीं, कार टेढ़ी नहीं हो सकती, तो हाईवे थोड़ा सा टिल्ट होता है। सेम विद दैट साइकिलिंग के टाइम पे वेलोड्रोम कैसा होता है, ऐसा होता है वेलोड्रोम, टर्निंग के टाइम पे वेलोड्रोम ऐसा मिलेगा आपको, टर्निंग के टाइम पे बहुत ही ज्यादा टिल्ट मिलेगा आपको, रीजन सेंट्रिपिटल फोर्स को सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के इक्वल करने के लिए, व्हिच मींस वी कैन से दैट कि व्हेन, अब इसमें तीन कंडीशन है, नंबर वन कंडीशन, जब सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल होगा सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के, देन द बॉडी विल रोटेट सर्कुलरली, बॉडी गोल गोल घूमेगी, तभी घूमेगी, ठीक है। नंबर टू, अगर सेंट्रिपिटल फोर्स कम है सेंट्रिफ्यूगल फोर्स से तो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट विल मूव फॉरवर्ड, ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ मूव करेगा। तीसरी कंडीशन, सेंट्रिपिटल फोर्स इज ग्रेटर देन सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, ऑब्जेक्ट विल स्टॉप, ऑब्जेक्ट विल स्टॉप, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन के बाद ये भी समझ में आ रहा है भाई, अगर ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो ये है रेडियल एक्सेलरेशन, और ऑब्जेक्ट अगर बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, टेंजेंशियल का फॉर्मूला है आर अल्फा,
आर अल्फा, ठीक है, और रेडियल का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये याद रखेगा, टेंजेंशियल का फॉर्मूला है आर अल्फा और रेडियल का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर आर, बस ये फॉर्मूला। 19 क्वेश्चन नंबर, नाइनटीन क्वेश्चन नंबर, एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ डिस्कस, रिलीजिंग के टाइम पर, डिस्कस के रिलीजिंग के टाइम पर क्या होता है? तो भाई डिस्कस के रिलीजिंग के टाइम पर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा सेंट्रिपिटल फोर्स के, और अगर क्यों? सेंट्रिपिटल फोर्स, या अगर सेंट्रिपिटल फोर्स अगर ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट विल स्टॉप, ऑब्जेक्ट क्यों विल स्टॉप, बनना ठीक है, ओके। वहीं पर अगर आप सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रिफ्यूगल फोर्स बिकम जीरो, विच मींस कांस्टेंट, विच मींस ऑब्जेक्ट विल रोटेट सर्कुलर, ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमेगा अगर दोनों फोर्स सेम हो जाए तब, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, तीनों कंडीशन समझ में आ रही है। 20th क्वेश्चन नंबर आपके सामने, द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कौन सा एक्सेलरेशन है जो टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर जाएगा, तो वो है रेडियल, एंड अवे फ्रॉम द सेंटर टेंजेंशियल। ये भी समझ में आ रहा है, बढ़िया। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है इसमें? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स अवे फ्रॉम सेंटर, सही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड वेलोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, मास वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स, सही है मैम। हाँ जी हाँ जी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर, ये गलत है, मतलब ये आंसर होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड वेलोसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। देखिए एक्चुअली मैं ना, बी वाला भी गलत है ना मैम। जी, एक्चुअली मैं फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था ऊपर का फॉर्मूला नहीं है, ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला। मैम बी सी डी तीनों गलत होंगे। हाँ ठीक है, तो मास एंड वेलोसिटी के साथ और रेडियस के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो दैट इज वाई, अब आपको ना कंफ्यूज मैं नहीं करूंगी, देखो दोबारा एक बार देखते हैं। आपको लगा ये नहीं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, कोई भूलना मत, ठीक है। तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यस बी बी गलत है, डी भी गलत है, और यहाँ पे बी सी डी, सो टू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, सिंपल है भाई। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्टाइल का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, सिंपल ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हवा में रिलीज होता है उसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे आप खुद, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे आप खुद हो, ठीक है। आपने अपने आप को हवा में रिलीज किया तो आपको भी प्रोजेक्टाइल कहा जाएगा, आपने किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया तो उसको भी प्रोजेक्टाइल कहा जाएगा, और जो मोशन क्रिएट होगा उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहाँ पे जितनी भी चीज आपको दिख रही है, शॉट पुट, हाई जंप, जंप, ये जितनी भी चीज दिख रही है, ये सभी के सभी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि ये किसी एंगल पर प्रोजेक्ट हुआ है, किसी एंगल पर रिलीज हुआ है, इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब यहीं पर अगर आप ये तीनों का एग्जाम्पल देखेंगे तो भाई देखो, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हो गया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन एयर एंड द मोशन इट इज क्रिएटेड, इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर वो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल, अगर वो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल, और जो कि बनता है 45 डिग्री पर, अगर एग्जैक्टली 45 डिग्री पर एंगल बनाया जा रहा है
और दोनों साइड्स अगर सिमेट्रिकल हैं तो इसे कहा जाएगा पैराबोला, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम 45 डिग्री पे देखेंगे आप। अगर ट्राजेक्ट्री की बात करें तो भाई जो भी पाथ बनाया जा रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा उसे कहेंगे ट्राजेक्ट्री। द पाथ ऑफ द मोशन, मतलब डेफिनेशन पे ध्यान यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द पाथ ऑफ द मोशन अलॉन्ग विद द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्राजेक्ट्री, एंड इफ द पाथ इज सिमेट्रिकल इट इज नोन एज पैराबोला, द ऑब्जेक्ट व्हेन रिलीज्ड एट पर्टिकुलर एंगल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। ठीक है, रिलेटिव हाइट क्या होती है? जिस हाइट से आप ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, मेरा मैं अगर इस हाइट से ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहा हूँ तो ये रिलेटिव हाइट हो गई। ठीक है, वहीं पर अगर आप बात कर रहे हैं जहां से रिलीज कर रहे हो, जहां पे लैंड कर रहे हो, उसके बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है, उसके बीच के एरिया को कहा जाता है डिस्टेंस। ठीक है, वहीं पर जब आप मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट का मतलब है टाइम ऑफ एक्सेंट, मतलब जितना टाइम उस ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट में रीच करने में लग रहा है टाइम ऑफ एक्सेंट, और उतना ही टाइम अगर उसको लैंड करने में लग रहा है उसे टाइम ऑफ डिसेंट। तो वो हाइट जिस हाइट पे ऑब्जेक्ट अपने मैक्सिमम हाइट को, ऐसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट, और जिस हाइट से आप रिलीज करते हैं उसको कहते हैं रिलेटिव हाइट। प्रोजेक्टाइल 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर 1 एंगल के ऊपर, प्रोजेक्शन स्पीड के ऊपर और हाइट के ऊपर। एंगल कैसा होना चाहिए? ऑप्टिमम। ऐसा नहीं है कि भाई जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा रेंज, ऐसा नहीं है, एंगल शुड बी ऑप्टिमम। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी हाइट से उसे रिलीज कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। वहीं पर अगर आप स्पीड की बात कर रहे हो तो जितनी ज्यादा स्पीड, मतलब ये मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, जितना ज्यादा रिलेटिव हाइट उतना ज्यादा रेंज। मतलब अगर आपसे पूछे कि भाई रिलेटिव हाइट में और रेंज में क्या रिलेशनशिप है, तो क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे आप डायरेक्टली, है ना? प्रोजेक्शन स्पीड में और रेंज में क्या रिलेशनशिप है, तो क्या बोलेंगे आप डायरेक्टली? बट ऑप्टिमम एंगल और रेंज में रिलेशनशिप कैसा होगा? आप उल्ट आप इन्वर्टेड यू कह सकते हो, इन्वर्टेड यू, इन्वर्टेड यू। ठीक है, एक टाइम तक तो एंगल अच्छा है, उसके बाद और ज्यादा एंगल होगा तो रिड्यूस हो जाएगा रेंज। ठीक है, यू एंगल, इन्वर्टेड यू कह सकते हो आप, इन्वर्टेड यू। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ये 3 कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 कंडीशन। नंबर 1 कंडीशन, अगर एरिया ऑफ रिलीज, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रिलेशनशिप, ये लिखा हुआ है, ध्यान दो, ये यहां पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ लैंडिंग, एरिया ऑफ रिलीज और एरिया ऑफ लैंडिंग अगर सेम हाइट पर है तो एंगल कैसा होगा? 45 डिग्री। और शेप कैसा होगा? पैराबोला, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल होंगे। अगर एरिया ऑफ रिलीजिंग ऊपर है, एरिया ऑफ लैंडिंग नीचे है, नंबर 2 कंडीशन, ये सीक्वेंस में भी आया हुआ है, 2 कंडीशन, तीसरी कंडीशन, एरिया ऑफ रिलीजिंग ऊपर है, एरिया ऑफ लैंडिंग नीचे है, तो एंगल कैसा हो जाएगा? 45 डिग्री से कम, लेस देन 45 डिग्री, लेस देन 45 डिग्री। क्यों? समझ में आ रहा है आपको? तो जितनी ज्यादा हाइट उतना कम एंगल, क्योंकि अगर आपकी हाइट भी ज्यादा है और अगर आपने एंगल भी ज्यादा कर दिया तो क्या हो जाएगा बताओ? अगर हाइट भी ज्यादा है और आपने एंगल भी ज्यादा कर दिया तो क्या हो जाएगा? रेंज कम हो जाएगी नहीं, एक्चुअली में रेंज नहीं, एक्चुअली में होगा क्या, हाइट ज्यादा हो जाएगी, जो मैक्सिमम हाइट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी तो रेंज कम हो जाएगी आपकी। ठीक है, बढ़िया। सेम विद दैट, रिलीजिंग हाइट अगर नीचे है, लैंडिंग हाइट अगर आपके ऊपर है, तो एंगल कैसा होगा? 45 डिग्री से ज्यादा, मोर देन 45 डिग्री। अब ये 2 चीज समझ में आ रही है आपको? अगर एंगल ज्यादा है तो एंगल ज्यादा होने की वजह से ऊंचाई ज्यादा होगी और टाइम स्लो होगा, धीरे, जैसे कि एग्जांपल बास्केटबॉल थ्रो, जब आप बास्केटबॉल रिलीज करते हो तो एक लूप बनता है, स्लो स्लो लूप बनता है और हाइट ज्यादा होती है, ऐसे होता है लार्ज एंगल में। कम एंगल में हाइट कम होगी, स्पीड ज्यादा होगी, जैसे कि बास्केटबॉल थ्रो, सॉरी बेसबॉल थ्रो, जैसे कि क्रिकेट थ्रो, क्रिकेट बॉल थ्रो। आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? ठीक है,
तो ये भी याद रखिएगा। जरा क्वेश्चन देखिए एक बार, वॉइस नहीं आ रही है क्या? हेलो हेलो, क्लियर क्लियर है मैम। चलो क्लियर ठीक है है, ओके ओके। बताइए क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा टू नहीं है? कौन सा ट्रू नहीं है? हाँ बी बढ़िया, डी ट्रू नहीं है, क्योंकि ना इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार, ये मतलब ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जब एरिया ऑफ रिलीज और एरिया ऑफ लैंडिंग सेम है, तो ये बात आप जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल शुड बी 45 डिग्री, ये बात जानते हैं ठीक है। तो 80 और 10 सेम है, मतलब 80 डिग्री और 10 डिग्री सेम रहेगा, ये याद रख लीजिएगा। सेम विद दैट 70 डिग्री और 20 डिग्री, 70 डिग्री और 20 डिग्री ये भी सेम रहेगा, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री ये भी सेम रहेगा। मतलब आप चाहे 80 मीटर पर फेंको, चाहे आप 10 मीटर पर फेंको, रेंज विल बी सेम। आप चाहे 70 पे फेंको, चाहे 20 पे फेंको, रेंज विल बी सेम। मतलब अगर आपको रेंज का एडवांटेज चाहिए तो एंगल बढ़ाने से फायदा नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है? अगर आपको रेंज का एडवांटेज चाहिए तो हाइट बढ़ाने से फायदा नहीं होगा ठीक है। तो एंगल शुड बी ऑप्टिमम, कितना ऑप्टिमम? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री से सबसे ज्यादा रेंज मिल रही है, ये समझ में आ रहा है? अब देखिए, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्टिकल मोशन, बिल्कुल सही है। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन है तो वर्टिकल मोशन इंडिपेंडेंट होगा ठीक है। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है तो उस पर इफेक्ट पड़ रहा है एयर रेसिस्टेंस का, और अगर ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो इस पर इफेक्ट पड़ रहा है ग्रेविटी का। जी तो बी भी सही है, सेम अगर 60 डिग्री और 30 डिग्री होगा, और 80 डिग्री और 10 डिग्री होगा, और 70 डिग्री और 20 डिग्री होगा, ये तीनों सेम रहेंगे ठीक है। मतलब बी भी सही है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल सही है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जितना ज्यादा फोर्स गलत नहीं लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी गलत लग रहा है मैम। ठीक हाँ ठीक है, सी गलत है एक्चुअली में, आंसर सी गलत है, सी गलत है एक्चुअली में। रेंज विल बी मैक्सिमम इफ द शॉट पुट पुट द शॉट एट लेस देन 45 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। शॉट पुट, क्योंकि शॉट पुट में आप हाइट से फेंकोगे तो रिलेटिव हाइट ज्यादा है, तो शॉटपुट में आप रिलेटिव हाइट ज्यादा है तो फिर डेफिनेटली एंगल 45 डिग्री से कम होगा। तो डी सही कह रहा है, डी सही कह रहा है, डी सही कह रहा है, तो मतलब आंसर डी भी नहीं होगा, सी गलत बोल रहा है। हाँ जी गौरव, हेलो हाँ जी हाँ जी, नहीं, ये मैं ये कह रहा हूँ क्या मैम 45 डिग्री से कम है ना, क्या बोल रहे हो? जो शॉर्ट पुट हम फेंकेंगे वो हाँ 45 डिग्री से कम ही फेंकेगा ना, क्योंकि हाँ कम, उसमें जो भी फेंकेगा वो उसकी रिलेटिव हाइट तो होगी, और जब रिलेटिव हाइट बढ़ती है तो मैम डिग्री एंगल कम होता है। सही तो लिखा हुआ है, मैम ये तो सही है, मैं भी यही कह रहा था, मतलब हाँ भी आपने मैं भी कह पहले रही, क्लियर कर। बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा हुआ है, कौन सा गलत है वो पूछा हुआ है, तो मतलब डी भी सही है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा।
तो करेक्ट आंसर सी, क्योंकि सी गलत है, सी गलत है, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर रिलीज किया है तो ग्रेविटी की वजह से वो तो नीचे आएगा ना, ग्रेविटी तो उसको नीचे 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 उसको अट्रैक्ट करेगी, तो रेंज तो कम हो जाएगी ना उसकी वजह से। मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए था, इनडायरेक्टली ग्रेविटी के ज्यादा होने से रेंज कम हो जाती है। सवाल समझ में आया सभी को? सवाल अच्छा लगा? बड़ा कमाल का सवाल है ये, अगर ये सवाल समझ में आया तो ये कर दो एक बार। 23 क्वेश्चन नंबर, क्या लग रहा है क्या होगा आंसर? इनमें से कौन कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये सवाल आया था पिछली बार, ये सवाल है जून 2023 का सवाल है ये। ए ए सही लग रहा है मैम, ए बी सही क्या? आंसर है, यस मैम ए। बढ़िया, तो ऑल थ्रोज इन एयर किसी एंगल पर रिलीज हुआ, बिल्कुल ठीक है। आर्चरी, आर्चरी भी आप किसी एंगल पर रिलीज कर तो बिल्कुल ठीक है, आर्चरी में भी हल्का सा लूप बनता ही बनता है। उसके बाद शूटिंग भी सही है, स्विमिंग नहीं है, स्विमिंग किसी में आप किसी एंगल पर रिलीज नहीं हो रहे हो, रोलिंग में भी आप किसी एंगल पर रिलीज नहीं हो रहे, मतलब सी एंड डी आंसर नहीं होगा, ए बी ई होगा, मतलब ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 24 क्या होगा आंसर? 24 मैम स्विमिंग में स्टार्ट करते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल नहीं बनेगा, स्टार्टिंग दोबारा बोलिए सर, क्या बोल रहे हो? स्विमिंग स्टार्ट करेंगे वहां से, जब अपन वहां स्टार्ट करेंगे बाहर से, वो जो जंप करेंगे वो प्रोजेक्टाइल में नहीं आएगा। सही है, सही है, सही बोल रहे हो आप, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है स्विमिंग, अगर वहां पे स्पेसिफिकली लिखा होता लैंडिंग, अगर लैंडिंग लिखा होता ना तो आपकी बात बिल्कुल सही है, वहां पे सर स्विमिंग लिखा हुआ है, स्विमिंग का मतलब है जब आप स्विमिंग कर रहे हो, हाँ इसीलिए नहीं होगा। ठीक है मैम ए सही है, बी गलत है। तो ए सही है, क्योंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री सही होता है, ठीक है, बार बार आया हुआ है ये। इन शॉर्ट पुट, रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ रिलीज इज मोर देन 45। ये तो गलत हो गया ना भाई, तो स्टेटमेंट नंबर वन सही है और बी गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर। अरे अभी भी कोई बी वाला है क्या? अरे यार बी वाला कोई है क्या? सी वाले हैं सारे। बढ़िया, एक और सवाल देखो, मैम ये यहाँ सारे एक जैसे पे आए हुए हैं। खुल जाता छोड़ो हाँ जी, हाँ जी, मैम, ऊपर वाले क्वेश्चन में कि जब हम रिलीज करते हैं और लैंड करता है तो वेलोसिटी सेम रहती है, ये मैम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, एयर रेजिस्टेंस लगेगा, तो सेम कैसे रहेगी वेलोसिटी? नहीं, इन्होंने कंडीशन दी है सर, सर 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 इन्होंने कंडीशन दी है आपको, इन प्रोजेक्टाइल इफ वेलोसिटी ऑफ रिलीज एंड हाइट ऑफ रिलीज, वेलोसिटी ऑफ रिलीज और हाइट ऑफ रिलीज, वेलोसिटी ऑफ रिलीज एंड हाइट ऑफ रिलीज ऑफ लैंडिंग, थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल आई थिंक लिखने में ग्रामेटिकल चेंज हुआ है, सिंपल बोल रहा है कि एरिया ऑफ रिलीज और एरिया ऑफ लैंडिंग सेम है, ये कह रहा है, सिंपल ये कह रहा है, ठीक है सर, एरिया ऑफ रिलीज और एरिया ऑफ लैंडिंग सेम है तो 30 डिग्री 60 डिग्री का सेम रेंज होगा, क्या ये बात सही है? सही है, यस ये ओके कह मैम, रहा है, हाँ ठीक है। इसी के साथ जब आप लास्ट क्वेश्चन की बात करिए, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, देखो बढ़िया कर दिया हम लोगों ने, आज कंप्लीट कर लिया। 26 क्वेश्चन नंबर, जरा बताओ क्या होगा आंसर? द ऑप्टिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट बी 45 डिग्री व्हेन रिलीजिंग हाइट इज जीरो, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, रिलीजिंग हाइट जीरो का मतलब है रिलीजिंग हाइट और लैंडिंग हाइट सेम, तो वन तो सही है। प्रोजेक्शन स्पीड इज वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग ट्रेजेक्ट्री, बिल्कुल सही है, ट्रेजेक्ट्री को तीन फैक्टर अफेक्ट करते हैं, स्पीड, हाइट और एंगल, तो ये भी सही है।
इन हाई जंप द प्लेयर हु परफॉर्म्स हाई जंप इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल। बिल्कुल ये भी सही है। रिलेटिव हाइट एंड एब्सोल्यूट हाइट इज सेम, ये गलत है क्योंकि रिलेटिव हाइट जिस हाइट से आप ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हो, एब्सोल्यूट हाइट जो आपकी हाइट है, जो आपकी एक्चुअल हाइट है, तो दोनों अलग अलग होती है ना, तो ये गलत हो गया। बाकी डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आज का सेशन? यार मैं बड़ी यस खुश, मैम, चलो बहुत अच्छे से समझ, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। यस ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा मैम, अब यस मैम, आपका तो मतलब अगर हम फिर से जाते हैं अपने स्केड्यूल की तरफ, जो हम लोगों ने आज का स्केड्यूल जो प्लान किया था, इसको आपने दो मैम बार वो रिपीट लास्ट कर वाली लिया। बात तो बता दूं। और रुक तो जा, अभी खत्म का हुआ अभी खत्म का हुआ रुकिए रुकिए रुकिए। ओके यहाँ पर ये देखिए, ये ठीक है। तो अब देखिए, अच्छा तो यहाँ पे ना फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में जस्ट सिंपल यही है, फ्रिक्शन मेनली दो तीन टाइप का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, है ना, स्टेटिक फ्रिक्शन। अगर कोई भी चीज रखी हुई है ये स्टेटिक फ्रिक्शन है, कोई चीज रोल हो रही है, कोई चीज स्लाइड हो रही है, अब ये तीन आपके, है ना। तो बेसिकली फ्रिक्शन क्या होता है, जब भी दो ऑब्जेक्ट, दो सरफेसेस मिलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उनके बीच में एक अपोजिट फोर्स क्रिएट होता है, उसे कहते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, अब मुझे इतना बता दो कि इन तीन टाइप के फ्रिक्शन में, नंबर वन इज स्टेटिक फ्रिक्शन, नंबर टू इज रोलिंग फ्रिक्शन, नंबर थ्री इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इन तीनों में सबसे मैम फ्रिक्शन ज्यादा फ्रिक्शन, एक मिनट, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें होगा पहले वो बताओ। स्लाइडिंग इन तीनों में सबसे ज्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसमें होगा, स्टेटिक में, स्लाइडिंग में कि रोलिंग में, ये सवाल आया था। स्लाइडिंग स्लाइडिंग मैम में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्टैटिक सबसे ज्यादा होगा स्टेटिक में, स्टैटिक किसमें फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, इसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि स्लाइडिंग में, तो बेसिकली आप स्लाइडिंग में और रोलिंग में कोशिश करते हो कि फ्रिक्शन कम हो, तभी तो आप स्लाइड करोगे, स्लाइडिंग के टाइम पर आप कोशिश करते हो कि फ्रिक्शन कम हो, और इस टाइम पर आप कोशिश, अगर किसी चीज को आपको नीचे से अगर फोर्स क्रिएट कर रहे हो तो आप चाहोगे कि फ्रिक्शन ज्यादा हो, ठीक है, तो रोलिंग और स्लाइडिंग से ज्यादा फ्रिक्शन होता है स्टेटिक फ्रिक्शन, इतना ही है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, ज्यादा कुछ आता भी नहीं है, केवल कंडीशन आएंगी, तो वो तो जब कंडीशन समझोगे आप तो अपने आप ही कर पाओगे। तो ये टॉपिक आपका आज यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब ये खत्म तो हो गया, अब इसमें भी आपका अभी काम बच जाता है, जैसे कि आप लोगों के लिए, अभी मैं एक बार देख लेती हूँ, क्या पता अपलोड कर दिया है टीम मेंबर ने, मैं एक बार पूछ लेती हूँ। अब इसके बाद आपका काम बच जाता है, जो तीन टेस्ट, तीन नहीं, मैंने पांच टेस्ट दिए हुए हैं आपको, फाइव टेस्ट दिए हुए हैं आपको, याद है आपको, ये फाइव टेस्ट प्लस पी वाई क्यूज, फाइव टेस्ट ऑलमोस्ट पी वाई क्यूज मैंने आपको करवा दिए। एक मिनट मैं इस सब का आंसर दूंगी, पहले एक बार यहाँ पे सुनिए, पहले इसको एक बार कंप्लीट कर ले, मैं सब आंसर दूंगी, ठीक है। तो पांच टेस्ट आपको कंप्लीट करने हैं और पी वाई क्यूज, तो मैंने जस्ट एक डेमो दिया है आपको, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने बाकी हैं आपके लिए, ठीक है। आपके पास दिन कितने हैं, केवल संडे तक, संडे तक मैं तो आपको रिवीजन करवा रही हूँ, लेकिन ये काम आपको कंप्लीट करना है खुद ब खुद, ये खुद कंप्लीट करना है आपको, फाइव टेस्ट और पी वाई क्यूज, ये आपको खुद, तो पी वाई क्यूज भी आपके लिए अपलोड हो जाएंगे, आई थिंक हो गए होंगे, मैं फिर भी एक बार चेक कर लूंगी, बाकी ये तो ऑलरेडी अपलोडेड है, कंप्लीट करने हैं आपको, ठीक है। इसी के साथ तो ये आप कल तक कर लीजिएगा, कल तक तो नहीं, संडे तक का टाइम है आपके पास, आराम से करो, कल का भी टाइम, मतलब आपके पास अभी भी 2 दिन बाकी है ये करने के लिए, ठीक है, कर लोगे, और कल जब आप आओ तो ये रिवीजन करके आना, टॉर्क, लीवर सिस्टम, जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स, प्लेन्स एंड एक्सेस, न्यूटन्स लॉज, इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी, कल जब आप लोग आएंगे तो ये आप लोग कल रिवीजन करके आएंगे, ठीक है। स्केड्यूल समझ में आ रहा है आपको, याद है ना, यस मैम, जी आपको मैम, याद है ना, 30 डेज 30 चैलेंजेस, आपको एक एक दिन हराना है, तो आज आप देख लो, आज आपने, आज का जो दिन था आपका 10th of May, तो क्या आपने आज दिन हरा दिया, क्या आपने ये डे वन और डे टू का रिवीजन बढ़िया कर लिया, क्या आपने कितने टेस्ट लगा लिए, क्या आपका संडे तक ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा,
इतना इतना करके रखो बस, इतना इतना करना, मेरे साथ चलो बस, मेरे पीछे नहीं। आगे चलना अच्छी बात है, बट मेरे पीछे मत चलना, क्योंकि एक भी दिन अगर आपका छूट गया ना तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। अब ना छूटने वाला टाइम नहीं है हमारे पास। यस 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 तन्वी, 1 मिनट, जो भी जिन बच्चों को भी जो भी डाउट है प्लीज थोड़ा सा रुक जाओ, 1 मिनट मोनिश, वेट करो भाई, वेट करो। अच्छा ये हो गया, सेशन कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद एक लास्ट बात जो इसके लिए आप लोग वेट कर रहे होंगे, बता दूं? ओके, जब आप लोग पीवाई क्यूज करेंगे ना, तो वैसे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जब आप पीवाई क्यूज करेंगे। चलो मैं करवाई देती हूँ, चलो छोड़ो, बता ही देती हूँ आपको, दिखाती हूँ, बताऊंगी क्या, मैं दिखा देती हूँ आपको। दिखाते हो आपको, ठीक है, देखो इस तरीके से आपके लिए अरेंज किए गए हैं क्वेश्चन। अरे नहीं, 1 सेकंड, ओके ये देखिए, तो आपके लिए ना इस तरीके से क्वेश्चंस वहां पे अपलोड किए होंगे। तो ये है दिसंबर 2023 का, ध्यान से सुनना, ठीक है? एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, चार सवाल, चार सवाल आए थे बस केवल, ठीक है? उसके बाद जून के पेपर में एक सवाल, दो सवाल, बस ऑलमोस्ट तीन सवाल, तीन सवाल आए थे केवल पेपर में, ठीक है? दिसंबर 2022 में एक सवाल, दो सवाल, तो दो ही आए थे बस केवल। कुछ समझ में आ रहा है? एक आध ऊपर नीचे और मान लो, चलो चार, मैक्सिमम पांच मान लो, चलो पांच मान लो, पांच पांच सवाल मैक्सिमम। साइकोलॉजी में कितने आए थे, मैंने आपको बताया था, साइकोलॉजी में हर साल कितने, हर साल मतलब हर एग्जाम में साइकोलॉजी में कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई आइडिया है? मैंने आपको बताया था, 11, नो 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 नो, 14 to 15, 11, क्या बात कर रहे हो भाई, 14 14 to 15 टू 15 क्वेश्चन आते हैं एवरी टाइम, एवरी टाइम भाई। इस बार पीवाईक्यू से यही तो बेनिफिट हुआ है हमें, पीवाईक्यू से बेनिफिट ही तो यही हुआ है हमें कि हमें इतना पता है कि हर साल कौन से क्वेश्चन और कितनी बार आ रहे हैं। तो 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी में, सेम रिसर्च में तो इससे भी ज्यादा, रिसर्च में तो आप मान लो 20-25 क्वेश्चन रिसर्च के हो गए, ठीक है? मतलब रिसर्च साइकोलॉजी और बचा कुछ आपका फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में भी आप आराम से 10 से 11 क्वेश्चन आराम से आते हैं। ये हैं आपके वो सब्जेक्ट जो आपका नेट एग्जाम निकालेंगे, कौन से सब्जेक्ट, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स एंड टेस्ट एंड मेजरमेंट। इस पे हम बराबर फोकस तो सभी पे कर रहे हैं, तो अच्छी बात यह है कि जिन भी स्टूडेंट्स को डर लगता है बायोमैकेनिक्स में, तो आप ज्यादा डरे ना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन ना बनते नहीं है इस सब्जेक्ट से, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, जो एक एजम्पशन है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होगा, ये जस्ट एक एजम्पशन है जो बाकी चीजों को एनालाइज करके आप ये समझ पा रहे हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। अब ये देखने वाली बात है, आप ये पीवाईक्यू करेंगे तो समझ में आएगा कि भाई 4 से 5 अगर क्वेश्चन आ भी रहे तो क्या आप कर पा रहे हो। और एक चीज और, पीवाईक्यू ना आज मत करना, पीवाईक्यू करना परसों की क्लास के बाद, जो पीवाईक्यू है वो आज मत करना, वो आप करना परसों की क्लास के बाद, तभी आप कर पाओगे, क्योंकि तब जब आप पूरा रिवाइज कर लोगे तभी आप कर भी पाओगे, सही है? तो आज और कल आप कंप्लीट कर लो अपने पांचों टेस्ट, और फिर परसों के क्लास के बाद करना आराम से पीवाईक्यूज, और देखना कि पीवाईक्यूज करने के बाद आप कितने क्वेश्चंस कर पाए, सही है? खबर अच्छी नहीं लगी, मतलब बहुत बायोमेकेनिक्स अच्छी में प्रेशर मैम। ज्यादा, टेस्ट और में मेजरमेंट से कितना आया था मैम? जैसे मेजरमेंट में आएंगे अच्छे खासे क्वेश्चन आराम से, 8, 9, 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? ओके, तो मतलब मैंने क्या बोला, ये 3-4 सब्जेक्ट, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, टेस्ट एंड मेजरमेंट, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी, भर भर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से, और आते हैं हर बार। हम, मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब ये हम देख रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन, हाँ मतलब इनमें ज्यादा ज्यादा इनमें क्वेश्चन आते हैं इन इनसे, ठीक है? तो ये थी खुशखबरी लास्ट में। चले ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।